बस लाइन से थी, अब वो ऑर्गेनाइज है। अब मैं मेरे इनबॉक्स को मैं धीरे धीरे खाली करता जा रहा हूँ। मेरे इनबॉक्स बिल्कुल एम्प्टी पे रहेगा। कुछ फोल्डर्स ऐसे बने होंगे फनल्स, जिसमें मैं मुझे पता रहेगा कि किनको मुझे कॉल करना है, किनको मुझे रिवर्ट बैक करना है। मतलब वो एक फोल्डर्स बन जाएंगे जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस पे अवेलेबल होता है कुछ हद तक का, वो लैपटॉप से एक बारी में मिल जाएगा। और जो नॉर्मल मैसेंजर है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये उस पर भी चलता है। सर, मेरे साथ अभी क्या हुआ, वो वाला नंबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था जो मैंने बिजनेस पे चालू किया था ना, वो हाँ एक्टिव नहीं हो पा रहा था। और फिर मैंने उसको मैसेंजर पे भी डाला, बट वो मैसेंजर पे भी नहीं चल रहा। आई थिंक वो थोड़ा दिन रुकेगा अभी। अच्छा मेरी लर्निंग तो सर यही है कि इनको मैसेंजर पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस जैसे ही कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर अब ये व्हाट्सएप मिल गया तो कोई परेशानी नहीं है, सारा सिस्टम तो इसने ही सॉर्ट कर दिया। व्हाट्सएप में हम ज्यादा मल्टीपल ये कर सकते हैं कनेक्ट व्हाट्सएप। जी रौनक, एक बार फिर रिपीट करेंगे क्या? जैसे अभी मैंने वर्चुअल नंबर समझो खरीदे, तो मैं एक एक साथ उसमें तीन चार व्हाट्सएप ऑन कर सकता हूँ। आराम से ओके ओके आप। नहीं, बट रौनक रौनक जी, इसमें ना एक कैच है। वो व्हाट्सएप जो है वो आप एक्टिवेट कर सकते हो, बट एक साथ सारे चलेंगे नहीं। एक साथ नहीं, एक आप एक करके बाद में। हाँ, वो तो बाद में क्या आप जो पर्पज है ना, बहुत बहुत सहस और दोनों का पर्पज है। बहुत सहस क्या करते हैं, आपके जो ट्रैफिक है आपके पास, किसी एक सिंगल नंबर पर जो आपका रेगुलर नंबर है, और मैं ये रिकमेंड करूंगा आप उसको वर्चुअल नंबर पर करने की बजाय ना आप रेगुलर नंबर पर करें, और उस पर आपके पूरे को जो मार्केटिंग का आपका बड़ा नंबर है वो पूरी की पूरी चैट्स को आपको मैनेज कर देगा। यानी आपके पास अगर बहुत सारे चैट्स हैं, फ्रिक्वेंट चैट्स आ रही हैं, आप उनको रिप्लाई दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि कैसे मैनेज करें उसको। व्हाट्सएप आपके उस पूरे उसको मैनेज कर देता है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बड़ा परफेक्ट है उसका। ओके ओके सर, यस, मेरे को वर्चुअल नंबर वाले का नंबर अभी तक नहीं मिला है। आयुष से ही मिल जाएगा सर। आयुष का मैंने नंबर दिया था ना आज, ओके ओके, ठीक है ठीक है, उनसे कर लूंगा। आयुष दे देगा दोनों। सर मैं बस ये पूछ रहा था, एसएमएस का अगर मैं पैनल आपसे लेता हूँ तो उसमें वो जो सेंडर आईडी है वो अभी हमारे को नहीं मिलेगी। वो एक प्राइस बैंड बता रहा था, मिनिमम 10,000 के ऊपर या कुछ नहीं, सेंडर आईडी ऐसा है। अभी जब ये डीएलटी नहीं हुआ था उससे पहले 3,000 रुपये लगते थे सेंडर हाँ आईडी क्रिएट कराने के, अगर आप अपनी सेंडर आईडी क्रिएट कर ओके ओके, तो। और अभी अगर 10,000 यूज ठीक है ठीक तो अपनी मत कराओ, और 25 तारीख तक देख लें, 25 ठीक है ठीक चीज़ें चेंज होंगी। है ओके। एक मिनट, मोहित जी नहीं ज्वाइन कर पा रहे। हाँ जी मोहित जी, यहीं से आप मीटिंग से डिस्कनेक्ट करके फिर रिकनेक्ट करो। नहीं, आप वेटिंग में दिखा रहे हो, आपको आप मुझे वेटिंग में खड़े हो आप मेरे लिए। वापस अंदर लेता हूँ आप। सर सर नमस्कार, मैं सर नमस्कार जी, वाइल अरुण शाह बात इंस्टॉल। कर जी जी प्लीज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे वर्चुअल नंबर से, जैसे हमारे वो कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो होंगे ही नहीं लोग जिनको हमने बल्क मैसेजेस करने हैं, तो जी वर्चुअल से जा पाते हैं वो? 100%, 100%। उसमें वर्चुअल और नंबर कोई फर्क नहीं है, वो तो आप जिस सॉफ्टवेयर से भेज रहे हो, तरीका जो है, अगर आप अपने फोन से भेज रहे हो तो फोन से तो वो जब तक रजिस्टर नहीं करोगे नंबर को तब तक लेगा नहीं, बट वर्चुअल नंबर उससे सॉफ्टवेयर से आपको उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर बिना रजिस्टर किए हुए नंबर से भी मैसेज भेज देता है। सॉफ्टवेयर से मतलब बल्क मैसेज भेज सकते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है फोन में, ब्रॉडकास्ट एक अलग, तो उसमें।
दोनों चीजें अलग हैं सर। देखो ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि आपने जितने भी फोन में नंबर थे उन नंबर्स को सेलेक्ट किया और एक कम्युनिकेशन भेज दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी को एक मैसेज आपकी तरफ से इंडिविजुअल ड्रॉप हुआ और किसी का किसी को नहीं पता। बट वहाँ एक लिमिटेशन है कि जिस आदमी ने आपका फोन नंबर अपने मोबाइल में नहीं सेव किया हुआ, बिल्कुल उस आदमी को आपका कम्युनिकेशन डिलीवर नहीं होगा। तो वो लिमिटेशन है उसके साथ। अब आपको क्या करना है, बल्क में जब भेजना है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अभी 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो एक कम्युनिकेशन। अगर सॉफ्टवेयर यूज करके करोगे तो यही कम्युनिकेशन आप 5 की जगह 500 को कर सकते हो बिना नंबर सेव किए। अच्छा। और मतलब उसके लिए सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा उसको वर्चुअल से भेजना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं, आप नहीं, अपना तो ब्लॉक हुआ हुआ है। हाँ रौनक अपना प्लीज बंद करें जी। आप सर, अपना मेरा माइक म्यूट है। अच्छा सर, वो मेरा मेरा क्या है कि ब्लॉक हुआ हुआ है व्हाट्सएप, तो मैं सॉफ्टवेयर से अगर लेता हूं तो भेज पाऊंगा फिर। नहीं, आपका जो बंद है वो तो नहीं चलेगा, भले सॉफ्टवेयर से करो चाहे उससे करो। आपको तो किसी और नंबर से ही पड़ेंगे। जो ब्लॉक है वो तो किसी भी तरीके से, चाहे सॉफ्टवेयर से भेजो चाहे इंडिविजुअल से भेजो। सॉफ्टवेयर तो एक फैसिलिटी है कि जो आप एक इंडिविजुअल एक एक करके भेजते हो उसको बल्क में भेज देगा। बट वो आखिर पाइपलाइन तो वही है, पाथवे आपका वही है जो कैरी करेगा मैसेज को। तो अगर वो ब्लॉक किया हुआ है तो उस पर वो नहीं जाएगा। अच्छा, तो वर्चुअल लेके विद सॉफ्टवेयर भेज सकते हैं यस एब्सोल्युटली, आप भेज सकते सर। वाइल इंस्टॉलिंग सर। इंस्टा सॉरी मोड आई सर। मिस्ड, वाज देयर अ क्वेश्चन फॉर मी? मैं 5 के क्वेश्चंस लूंगा सर, फिर क्वेश्चंस बाद में लूंगा। यस नहीं, आपने मुझे अनम्यूट किया ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, मैं तो म्यूट कर रहा था, हो सकता है म्यूट करने के चक्कर में आपको अनम्यूट हुआ हो। ओके ओके ओके, सॉरी, नो प्रॉब्लम। सर वाइल इंस्टॉलिंग इंस्टामोजो सर, शेल वी गिव व्हाट्सएप मैसेंजर नंबर सर? कैन वी गिव व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, सो आई कुड, मोबाइल नंबर सर, मोबाइल नंबर सो यू कैन गिव एनी ऑफ द वाइल नंबर। इंस्टॉल सर सर इट डजंट मैटर व्हेन एवर यू आर गोइंग टू इंस्टॉल इंस्टा मोजो। सो ओके, सो यू वॉन्ट टू आस्क दैट इन केस यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट पेमेंट गेटवे एट योर मोबाइल, एट योर व्हाट्सएप, देन विच वन अकाउंट शुड यू यूज, नॉर्मल मैसेज और व्हाट्सएप बिजनेस? इज दैट योर क्वेश्चन प्लीज? सी वाइल इंस्टॉलिंग इंस्टामोजो सर, इट विल बी आस्किंग ना विच मोबाइल नंबर यू वुड वांट टू गिव। बेटर यू गो द नंबर विच इज रजिस्टर्ड विद व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस, बट इट इज नॉट लिंक्ड विथ बैंक ना सर। देन यू लिंक इट, देन ही कैन लिंक इट। सो डजेंट मैटर, द नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद योर बैंक बट इट शुड बी रजिस्टर्ड विद योर इंस्टामोजो अकाउंट। ओके और इन और बेटर वे इज यू रजिस्टर द सेम नंबर विच इज इन इंस्टामोजो और इन द बैंक, एंड यस करेक्ट इफ पर्टिकुलर नंबर इज रजिस्टर्ड विद व्हाट्सएप बिजनेस देन इट वुड बी आइडियल टू यू, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आइडियल हो जाएगा। यस ओके ओके ओके। एंड प्रीवियसली व्हाट आई एम यूजिंग दिस व्हाट्सएप मैसेंजर नंबर सर, रिसेंटली आई हैव क्रिएटेड विद दिस व्हाट्सएप बिजनेस ना सर। प्रीवियसली ऑल माय बैंक अकाउंट्स आर रिलेटेड विद प्रीवियस नंबर, व्हाट्सएप मैसेंजर नंबर। So sir, you will have to now go to the bank, request them change of mobile number you updated. Okay, So so you can okay. transfer the number. This would be our last question now. Now we are going to start the lesson because we have limited time. Yes, sir. Sir, good evening, sir. Good evening जी, good evening. सर एक तो मैं चार्ट में एक तो क्वेश्चन दिया हूँ सर। हाँ, मैंने देख लिया है। मैं आपको लास्ट में ये सेशन ठीक है सर। करके फिर मैं, ओके ओके क्योंकि जिनको जल्दी है वो जाएंगे 8 बजे तो हम लेसन ओके 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 लेते, ओके सर को जल्दी नहीं है वो 10 मिनट रुक सकते हैं, मैं उनकी क्वेरीज ले लूंगा सारी। ठीक है, चलिए, ग्रेट। थैंक यू सर। ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू म्यूट योर माइक्स, सो
So in case you have some communication, so you can open your mics or you can write it to me. रवि जी, मैंने आपका अनम्यूट किया है, प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट रख सकते हैं। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं है, तो अगर कोई इशू है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। जी ओपन है सर, थैंक यू। ओके, और आई एम गोइंग टू ओपन योर चैट्स वुड बी विजिबल टू मी, सो आई एम नॉट ओपनिंग इट टू एवरीबडी। आपकी कोई चैट है तो आई वुड बी एबल टू टेक योर चैट। और मैं आज आपके साथ दोस्तों ये लेकर आया हूँ कि कैसे हम अब अगले स्टेप पे चलें। यानी आज हमारे साथ दो क्लासेस हैं, एक क्लास है हमारी लीड जनरेशन और दूसरी क्लास है व्हाट्सएप। दोनों क्लासेस का आज सेम टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज़ हाउ टू डिज़ाइन एडवर्टीजमेंट सो दैट वी कैन इन्फ्लुएंस आर क्लाइंटेल, आर क्लाइंट्स, आर लीड्स, आर प्रोस्पेक्ट्स, जिन लोगों को हमें अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, उनको कैसे हम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करके कैसे उन्हें अपने से कनेक्ट कर पाएं, हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस देम, हाउ वी कैन परसुएड देम टू परचेज, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिकेशन विच वी आर जनरेटिंग फ्रॉम आर साइड एंड मेकिंग इट पब्लिक टू द पीपल सो दैट पीपल कैन गेट आर कम्युनिकेशन एंड attract towards our services or product whatever we are offering for the people. हम क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, उसके लिए हम एक अच्छा ad कैसे design करें, सारा game आपकी business का, आपकी service का, आपके advertisement पे है, whether it is on social media platforms or it is in newspaper or it is in hoarding or TV channel, जहाँ भी आप ad रखते हो, ये सारा game आपके advertisement का है। क्यों कोका कोला और पेप्सी बिक रहे हैं, वो सारा गेम एडवर्टीजमेंट का है, अदरवाइज दुनिया को पता है उसका हेल्थ में कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी बातें आप कैसे कर सकते हो अपने लिए, यानी अब हम, हो सकता है हम में से ज़्यादा लोग वन मैन आर्मी हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर भी खुद हैं और मार्केटर भी खुद हैं, अकाउंटेंट भी खुद हैं, सारे काम हम खुद करते हैं, या हम में से छोटे लेवल पर हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं, 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है। तो अब हम 5-10 लोगों की टीम में, हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हम एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन के लिए रख दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें खुद ही ये काम अभी करने हैं, या अगर मेरे पास कोई डिज़ाइनर भी है तो मुझे उसको डायरेक्शन देनी है कि वो कैसे मेरे अपीलिंग एड्स डिज़ाइन करें। तो आज वो साइकोलॉजी हम सीखने वाले हैं कि वो एड्स को कैसे डिज़ाइन करें, कहाँ डिज़ाइन करें और वो कैसे इफ़ेक्टिव बनेंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, और कुछ चैट्स हैं मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। यस ग्रेट, अभी कोई वेटिंग में भी नहीं है। चलिए, तो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, दैट इज एडवर्टीजमेंट, व्हाट इट इज एडवर्टीजमेंट साइकोलॉजी, what works in advertisement, what is the science of advertisement, that we are going to cover, and how to design appealing ads, visual communications for WhatsApp and other social media platforms. हम जितने भी social medias हैं उन पर जिनको पढ़ने वाले हैं, तो जिनकी आज WhatsApp class है, they are taking it for WhatsApp, and those who are learning it for lead generations, so they are getting this for all social medias, and this is very beneficial class for both of us. हम दोनों के लिए ये बहुत अच्छी क्लास है। एड होता क्या है, what it is, तो I just want to ask it from you, आप में से पूछना चाहूँगा कि एड क्या होता है, please आप मुझे लिख के बताएं सब, आपका अपना क्या नज़रिया है एडवर्टीजमेंट के लिए, please. And this is a question for you all. हम सब के लिए ये सवाल है कि what do you mean by ad? अगर ad को define करना पड़े तो हम कैसे करेंगे?
यस ब्रांडिंग वंडरफुल रवि जी बाजी मारते हो आप पहले. डॉक्टर राजागिरी पानेगर प्रमोशन टूल ये वंडरफुल यस ग्रेट. रवि जी ब्रिंगिंग अवेयरनेस वंडरफुल बहुत बढ़िया. नेक्स्ट 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 हाँ वरुण जी कौन से फोन से आप लॉगिन करना चाह रहे हो मुझे श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है वहां. प्रमोशन कम्युनिकेशन अबाउट आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एड्स आर डिजाइन टू प्रमोट आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एड्स आर डिजाइन टू प्रमोट आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वंडरफुल. अच्छा श्रेष्ठ आपका है देन इट्स ओके मैं ले लेता हूँ. ओके बरोन हो गया ठीक है. चलिए वरुण टू आ गया है मेरे को. रीचिंग आउट टू अनटेप्ड मार्केट यस वंडरफुल बहुत बढ़िया. अच्छा बाकी कुछ लोग तो बिल्कुल नम्रता मैम ने लिखा मार्केटिंग बिजनेस सो ग्रेट बहुत बढ़िया. आपके अलग अलग व्यू पॉइंट आ रहे हैं देखिए एक ही चीज़ की कितनी डेफिनेशंस हैं. सुब्रत जी ने लिखा कम्युनिकेशन अबाउट आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यस ग्रेट. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अपनी बातों को कस्टमर्स को पूछना राहुल जी बहुत बढ़िया. प्रमोशन अवेयरनेस रीचिंग आउट टू पीपल लेटिंग पीपल नो वी एग्जिस्ट क्रिएट अवेयरनेस यस अजय प्रभु जी ओके इट्स ओके. नाउ द एडवर्टीजमेंट इन सिंपल लैंग्वेज इन सिंपल वर्ड्स इज द प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट. आप अपनी बात दुनिया को कहेंगे आप कैसे प्रमोट करोगे वॉट एवर यू आर डूइंग और ऑफरिंग टू द पीपल वॉट डू यू डू दैट इज बींग कम्युनिकेटेड थ्रू अ मीडिया थ्रू अ कम्युनिकेशन एंड दैट कम्युनिकेशन इज नोन एज एडवर्टीजमेंट. बहुत सिंपल है. अब एडवर्टीजमेंट किसी भी चैनल पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी हो सकता है दोनों की नेचर एक ही है बिल्कुल सेम है. यस ग्रेट अर्णव गुप्ता जी. अब एक बहुत बड़ी बात आती है डेली यानी दुनिया में जब हम सुबह उठते हैं और उसके बाद रात तक हम करीब 5000 एडवर्टीजमेंट को देख चुके होते हैं. 5000 एडवर्टीजमेंट को हम देख चुके होते हैं. अराउंड 5000 एडवर्टीजमेंट हमारी इन आंखों के कैमरे से निकल चुके होते हैं. अब आपको सरप्राइज होगा 5000 ऐड कैसे निकलते हैं. सुबह उठते हैं तो बेड शीट भी किसी ब्रांड की है बेड भी किसी ब्रांड का है फ़ोन भी किसी ब्रांड का है घर में जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ऑफिस में जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं रास्ते में जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ट्रैवलिंग में जब हम चल रहे हैं तो जो कुछ दिखाई दे रहा है एवरीथिंग इज अ ब्रांड. सब कुछ कुछ ना कुछ ऐड है जो देख रहे हैं. अब ये 5000 ऐड मेरे सामने आ रही है आप समझना कितनी याद रहने वाली है मुझे शाम तक कितनी मुझे इन्फ्लुएंस करने वाली हैं कितनी परसुएट करने वाली हैं. फ्यू जब हम एक मूवी देख रहे होते हैं या वो कौन सा शर्मा है कपिल शर्मा के जो हम शो देखते हैं तो उसके बीच में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं आप उन एडवर्टीजमेंट को या कोई भी जब आप हम प्रोग्राम देख रहे हैं उसके बीच में आप देखेंगे सोप के कई ऐड आते हैं शैम्पू के कई ऐड आते हैं कुरकुरे के कई ऐड आते हैं. अब एक सीरीज में अगर चार ऐड आ जाएं एक ही चीज़ के तो आपको क्या लगेगा मुझे कौन सा लेना चाहिए. आपको वो लगेगा जिसका ऐड अच्छा है आप जिसका आपको ऐड अच्छा लगा वो आपको परसुएट करेगा. कंटेंट क्या है ये तो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको अच्छी तरह यूज़ नहीं कर लेते जब तक आप उसे अच्छा यूज़ नहीं कर लेते. बट आपको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या ग्रेप कर रहा है कौन सी चीज़ है जो आपके इमोशंस को अपील कर रही है जो कौन सी चीज़ है जो कनेक्ट कर रही है आपको. पता नहीं ऐड किसने बनाया कहाँ से वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है कहाँ दिखाई दे रहा है बट आपको अपीलिंग लगा आपको अपीलिंग लगा. महाभारत के और रामायण के करेक्टर्स आज भी हमें याद हैं. व्हाट इज दैट.
वो अपीलिंग था, वो इमोशंस के लेवल पे आपका इमोशनल कोसेंट बढ़ा के कनेक्ट किया गया था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर की गई थी फाइल, वो एडवर्टिजमेंट ही थे। आज भी हम जो देखते हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लग जाती हैं, वो एड उस प्रोडक्ट की तरफ देर सवेर हमारा कहीं ना कहीं झुकाव हो जाता है। तो हमें क्या है कि 5000 एड एक दिन में अगर मैं देख रहा हूं और आपका प्रोडक्ट मेरे सामने आ रहा है, तो मैं आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदूंगा? मैं आपके प्रोडक्ट को जब खरीदूंगा दोस्तों, जब उस प्रोडक्ट में बाकी प्रोडक्ट से अलग कुछ मेरे इमोशंस को कनेक्ट करेगा, मुझे कुछ अच्छा लगेगा, उसमें मेरी जरूरत हो सकती है। ये राकेश कुमार फिर घुस गया जी आज। मुझे लग रहा था ये मैंने गलती से ले लिया, चलो एनी हाउ इसे भी अपना काम करने दो। चलिए, तो वो 5000 एड में से अब वो मुझे वही पर्टिकुलर एड क्या अपील करेगा, क्या इन्फ्लुएंस करेगा, वो मेरे काम का है। तो अब मुझे अपना एड ऐसे डिजाइन करना है जैसे वो मेरा एड अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स के 5 एड के बीच में आए, चलिए आज इस आदमी ने इतनी होशियारी की है कि आज तो इसको नाम भी बताया गया है। देखिए हम में से कोई आदमी कितनी बदमाशी कर रहा है, आप में से एक आदमी का नाम भी बताया गया आज उसे कि यहाँ राकेश नाम का आदमी ऑलरेडी है। चलिए एक मिनट लूंगा, सत्या आ गए। वो तो रवि जी वो तो ब्लॉक हो गया, वो तो कई लोग हमने बाहर निकाल दिए, पर अभी भी हम में से कोई आदमी नहीं पता चल रहा कि कौन है जो उसको ये नाम भी बता रहा है कि हम में एक आदमी राकेश है और मैंने उस राकेश की वजह से उसको एंट्री दी थी। जस्ट ए मिनट, कोई नहीं, उसको अपना काम करने दो। सत्या आप रूम में हैं, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। और प्लीज किसी को एंट्री ना दें, अभी क्लास लॉक है। चलिए तो 5000 एड में से कोई एक एड हमारी इन्फ्लुएंसिंग होनी चाहिए और वो एड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपीलिंग लगे, हमारे इमोशनल कोसेंट पर काम करे, तो वो एड वर्किंग एड मानी जाएगी। और वो एड हम कैसे डिजाइन करें, क्या होना चाहिए उस एड में दोस्तों, ये आगे की 3-4 स्लाइड है, बड़ी जबरदस्त है। अगर ये 3-4 स्लाइड है पकड़ में आ गई ना, आप समझना एड डिजाइन करना हम सीख गए। तो वॉट वी शुड डू, हमें थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा, हमें नॉर्मल एड डिजाइन नहीं करना। अभी मेरे मोबाइल में अभी किसी ने एक एड भेजा, कम से कम 1.5 पेज लंबी लाइनें लिखी हुई है। माय गॉड, क्या पर्पज है उनका, वो 1.5 पेज पढ़ने का किसके पास टाइम है? किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो हमें क्या करना है, बहुत ट्रिकी सिंपल एड बनाने, अपीलिंग एड बनाने, अट्रैक्टिव एड बनाने। तो अपीलिंग और अट्रैक्टिव एड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज वो साइंस हम सीख रहे हैं। हमें क्या करना है, थोड़ा ट्रिकी होना है और इमोशंस के साथ प्ले करना है, इमोशंस के साथ प्ले करना है। और इमोशनल लेवल पे हम सब एक जैसे हैं, वहाँ हमें जो अच्छा लगता है वही, जो दिखता है वो बिकता है और जो बहुत अच्छा दिखता है बहुत अच्छा बिकता है। तो हमें इस तरीके से ऐड बनाना है, हमें क्या करना है, लोगों को जोड़ना है इन्फ्लुएंस करके, इन्फ्लुएंस करके लोगों को जोड़ना है। और अगर इन्फ्लुएंस करके आपका कम्युनिकेशन, आपका एड जोड़ सका, मार्केट आपका और काम होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एड अगर आपकी अच्छी लगी लोगों को, तो आपको लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। अब वो कैसे बनेगी देखिए,
ये ऐड है एक, अब ना तो मैं इस बच्चे को जानता हूं ना मैं इसकी मां को जानता हूं, बट जब भी जिसने भी ऐड देखी ये ऐड अच्छी लगती है। सबसे ऊपर कॉर्नर पे हैप्पीनेस लिखी है, हैप्पीनेस आदमी बाद में पढ़ता है, पहले खिलखिलाते दोनों चेहरे, और माँ और बच्चे का जो आपस में लगाव है, जो ममत्व है, वो इसमें से छलक रहा है। अब उस ममत्व को देखने के बाद, उस माँ की ममता को यहाँ महसूस करने के बाद, यहाँ हम सबके पास, इससे पहली स्लाइड मैं जरूर दिखाता हूँ अभी, मधुसूदन जी मैं अभी जरूर दिखाऊंगा। यहाँ इस एड को देखें आप, कितने प्यार से डिजाइन किया गया ये, और इसमें कुछ भी खास नहीं है, एक इमेज है, वो एक इमेज आपको बिना वर्ड्स के चीजों को आपको कम्युनिकेट कर रही है, और वो कम्युनिकेशन ऐसा है कि आपको अपील कर रहा है। अपीलिंग में क्या है, इमोशंस हैं, दोनों तरफ से इमोशंस को रिफ्लेक्ट किया गया। आप भी कर सकते हो, कुछ नहीं है, एक इमेज रखी है ऐसी, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, और कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। आप देखना इस इमेज की खूबी है, हम पूरा पेज भर देते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं तो 20 लाइनें लिख देते हैं, क्या जरूरी है, सामने वाले को पढ़नी नहीं 20 लाइनें, जब उसको पहली लाइन क्लिक नहीं की वो 19 लाइन पढ़ेगा ही नहीं। हमें क्या करना है, पहली लाइन क्लिक करानी है। तो यहाँ जो खिलखिलाते दांत है वो पहली लाइन क्लिक कर रही है आपको, उसके बाद आपने दाएं बाएं देखा, हैप्पीनेस इन ए बॉक्स दिखाई दी, अब यहाँ हैप्पीनेस इन ए बॉक्स दिखाई दी, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बॉक्स को ढूंढेगा, कौन सा बॉक्स। अब नीचे देखो, बॉक्स का मतलब हैप्पी मील, हैप्पी मील, एक मिनट, किसी की एंट्री हुई, चलिए ग्रेट। तो हैप्पी मील बॉक्स कौन सा, हैप्पी मील, अब मील कहां से आएगा वो देखो, एक साइड में एक चौथी जगह लिखा उसने, एक बॉक्स मैकडोनाल्ड का, कोई बड़ा टेक्स्ट नहीं, कोई ज्यादा इन्फो नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इतना प्यारा सा एड जो अपील करता है, और हो सकता है दो पेज की एड जितनी अपीलिंग ना हो, इतनी इमोशनल टच ना दे जितना ये एड दे रही है। चलिए और देखते हैं, ये देखिए, ये कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एड हैं, आँखों को ठंडी रखेगा, ये एक प्रोडक्ट है, ये इधर एक प्रोडक्ट है, ये इधर एक प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं इमोशन के साथ कहीं ना कहीं टच बनाने की कोशिश है हर एक इमेज में। उधर टेस्टी फ्लेक ब्रेकफास्ट सीरियल एवरीडे इज एंजॉयिंग इट, वहाँ फिर देखो आपको थोड़ी मुंह में से कुछ कुछ होता है जब आपको वो चम्मच दिखाई दे रही है वहाँ से, यहाँ एक इमोशनल टच है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ देखें आप आगे, यहाँ स्मोकिंग किल्स, दो पैर दिखाई दे रहे हैं बट क्लियर मैसेज आ रहा है सिर्फ दो वर्ड से। यहाँ नीचे वाली इमेज में ये प्लास्टिक की बोतल पूरी दुनिया का नाश कर रही है, आपको कोई वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ नीचे, यहाँ पिन ऑफ बियर, आप ये देखो, बिल्कुल ऑड एड बनी है, बिल्कुल ऑड, लोग अच्छे कपड़े पहना के एड बनाते हैं, आप ये देखो, उसने बिल्कुल ऑड दी है, मार्केट सेट के निगाह टिकेगी, लोग याद रखेंगे। हम सोचते हैं बहुत ज्यादा सजा के दें, नहीं, ऑड एड होनी चाहिए, इमोशंस को ग्रेप करें, इमोशंस को पकड़े। अब ये एड बनेगी कैसे, ये बात तो समझ में आ गई, साइकोलॉजी में दो चीजें होनी चाहिए, इमोशंस को अपीलिंग बना दे, एड ऐसी हो लोगों को कनेक्ट करे, अट्रैक्ट करे, सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करे, और ऑड होनी चाहिए, जो मार्केट में चल रहा है वैसा नहीं, समथिंग डिफरेंट, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग कनेक्टिव। दोस्तों अगर ये एड बना ली, भले या व्हाट्सएप पे चलाओ, भले या फेसबुक पे चलाओ, इंस्टा पे चलाओ, लिंक्डइन पे चलाओ, यूट्यूब पे चलाओ, सब जगह चलेगी, क्योंकि देखने वाले सब जगह इंसान हैं, और इंसान का सबकॉन्शियस माइंड ऑड को पकड़ता है, अपीलिंग को पकड़ता है। तो हमें ऑड और अपीलिंग एड्स बनानी है। अब बनेंगी कैसे और कहाँ बनेंगी, क्योंकि मैं तो ऐड बनाना जानता नहीं हूँ, हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग हों जिनका कोर कुछ और हो, माइट बी योर कोर इज डिफरेंट एंड यू माइट नॉट बी गुड एट एड डिजाइंस, डजंट मैटर, बट इन केस यू आर देयर हु इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन योर एड्स और हु इज रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट योर डिजाइनर,
what kind of ads your particular service or product is requiring, you can learn it from today's class. आज अब आपकी क्लास से दो चीजें अभी तक हमने सीखी हैं. आपकी एड में साइकोलॉजी होनी चाहिए. साइकोलॉजी में क्या होना चाहिए, एक तो अपीलिंग एड हो, इमोशंस को उठा दे. कुछ ना कुछ इमोशन उठना चाहिए आपकी इमेज से. स्टैटिक इमेज नहीं हो, कहीं ना कहीं सोच पे मजबूर करती हो, मार्केट से कुछ अलग होना चाहिए. ऐसी अगर आपने ऐड रखी, काम करेगी. अब ये ऐड बनती कैसे है, कितने तरह की ऐड होती है, तो हमें जो मार्केटिंग करनी है उसमें जनरली हमें दो तरह की ऐड बनानी है. दोज आर प्रिवेलिंग, यानी जो चलन में है, जो चल रही हैं, वो दो तरह की ऐड होती है, सिर्फ दो. वन इज पोस्टर, अनदर वन इज वीडियो. एक पिक्चर, एक वीडियो. तो पिक्चर, यस, सत्या आप क्लास में हैं, किसी को ग्रुप में है? रवि जी, ग्रुप में किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास की, प्लीज आप कम्युनिकेट कर देंगे, मैं कंटिन्यू करता हूँ. जी, तो हमें दो तरह की ऐड चाहिए, एक पोस्टर और एक वीडियो. और दोनों ऐड डिजाइन करना आज हम सीख रहे हैं. यानी आज हम पोस्टर को कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे. तो पोस्टर कैसे बनता है, पोस्टर होता क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं. पोस्टर दोस्तों होता क्या है, एक टू डायमेंशनल इमेज, फोटो, इमेज, पिक्चर, वो उसे पोस्टर कहते हैं. बैनर जो हम एक डिजाइन करते हैं, एक पिक्चर कहीं से भी ली, वो हमारा पोस्टर कहलाता है. अगर हम एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज में कहें तो उसको पोस्टर कहते हैं. अब ये पोस्टर पर बनाने जाने वाली एड्स, यानी पोस्टर एड्स या स्टैटिक एड्स या टू डायमेंशनल एडवर्टीजमेंट बनाने का हमारा जो तरीका है, जस्ट ए मिनट, यस अर्नब गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. हाँ, लीड जनरेशन में तो एक क्लास अभी हुई नहीं है, वो किसी और कोर्स में आपने ली होगी सर. लीड जनरेशन में कोर्स नहीं, ये क्लास नहीं हुई. यस, चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो पोस्टर को डिजाइन कैसे करेंगे और ये पोस्टर ऐड कितने तरह की होती है. पोस्टर ऐड दोस्तों तीन तरह की होती है, और वो तीन तरह की पोस्टर ऐड जो है वो उसमें सबसे पहले हम बोलते हैं कि पहली होती है एसोसिएशन ऐड. अर्नब जी मेरे को, चलिए मैं अभी बात करता हूँ, मैं इसे कंप्लीट कर लूँ. तो सबसे पहले हमारी ऐड होती है एसोसिएशन ऐड, दूसरी है कॉल टू एक्शन, और तीसरी क्लेम. अब आपको कौन सी ऐड डिजाइन करनी है, देखें, एक एडवर्टीजमेंट होगी, एक हमारा ऐड होगा जिसे हम ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए. तो एक एडवर्टीजमेंट जो ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है, वो ऐड होता है हमारा एसोसिएशन, जिसमें किसी बड़ी हस्ती को अपने प्रोडक्ट के साथ दिखा के हम ऐड डिजाइन करते हैं. जैसे एक बहुत फेमस नाम को एसोसिएट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, या अपने प्रोडक्ट को किसी फेमस ब्रांड के साथ हम जब एसोसिएट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऐड. और ये एसोसिएशन ऐड इमीडिएट रिजल्ट नहीं लाती, स्लो रिजल्ट लाती है. स्लो यानी ये लोगों में फैलती है, कम्युनिकेशन, ब्रांड की अवेयरनेस फैलाता है. वहीं जब हमें इमीडिएट सेल चाहिए, इमीडिएट सेल, तो हम क्या करते हैं, CTA लगाते हैं, कॉल टू एक्शन. और कॉल टू एक्शन क्या होता है, हमने 50% ऑफ दिया शूज पे, या 50% ऑफ दिया अपैरल पे, 20% ऑफ दिया हमने अपनी सर्विस पे, या हमने कोई इवेंट लगाई है, या आज शाम तक सेल है, ये ऐड आप दे रहे हो, दैट इज कॉल टू एक्शन ऐड. तो हमें अब जब अपनी कोई एडवर्टीजमेंट चलानी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें CTA लगाएंगे.
तो सीटीए क्या करेगी, इमीडिएट ऑफर करती है, इमीडिएट बेनिफिट ऑफर करती है, उससे लोग पढ़कर भागे चले आते हैं या आपको कॉल करते हैं या आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। तीसरी होती है क्लेम, 10 दिन में 5 किलो वजन घटाएं या वजन बढ़ाएं या 100% गारंटी, मनी बैक गारंटी, जहां कोई क्लेम दे रहे हैं आप तो लोगों को तसल्ली होती है कि अगर नहीं फायदा मिला तो मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो तीन तरह की एड्स हम जनरली पोस्टर एड जनरेट करते हैं। ये हमें शायद सबको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसमें हमने कुछ एड्स क्रिएट करती हैं अपने, जैसे ये मैंने ऐड की है, ये हमारी एक ऐड है जो ये बहुत सिंपल ऐड है, और ये ऐड आप बताएं मुझे क्या है, आप लिख के बता सकते हैं कि ऐड सीटीए है या अवेयरनेस है। उसके अलावा एक और ऐड है, ये बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ये ऐड डिज़ाइन की गई है, हार्डली 5 मिनट लगती है ये ऐड डिज़ाइन करने में। आप ये देखो, हमारी एक योगा की ऐड है, ये एक ऐड है जिसमें साइकोलॉजी है पूरी, स्टॉप बर्निंग आर लाइफ, ये किसी के फिल्टर की ऐड है। अब ये ऐड डिज़ाइन होने के बाद कैसी दिखाई देती हैं, अगर हम व्हाट्सएप पे इनको रन करेंगे, यस क्लेम सुब्रत जी ने लिखा, क्लेम है। अगर हम इसे व्हाट्सएप पे रन करें, व्हाट्सएप के लिए ऐड बनाएं, तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। देखिए मेरे लेफ्ट और राइट में, ऊपर ये पोस्टर लगा होगा और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होगा इन वर्ड्स, नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होगा इन वर्ड्स। तो जब शब्दों में वो एक्सप्लेनेशन होगा, अगर इमेज आपकी किसी को अपीलिंग लगी तो कोई वर्ड्स पढ़ेगा, इमेज आपको अपीलिंग नहीं लगी तो कोई वर्ड्स नहीं पढ़ने वाला। इसलिए टेक्स्ट कम, इमेज अपीलिंग होनी चाहिए। तो चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे आप रन करें, आपके टेक्स्ट को कोई तब पढ़ेगा जब आपके विजुअल्स अपीलिंग होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब व्हाट्सएप पे अभी हम जो ऐड डिज़ाइन करने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले हम पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, फिर उसका टेक्स्ट उसके साथ हम कैप्शन में लिखेंगे। तो अब इसे कैसे करेंगे हम आगे, वो बढ़ते हैं। तो पोस्टर क्या है हमारा, बैनर क्या है हमारा, ये हमारे लिए एक बेस्ट टूल है एडवर्टीजमेंट का, जो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हमें इसे बनाने से पहले क्या करना है, अब हम बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी इंटेंशन क्या है, करना क्या चाहते हैं, हम ब्रांड अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं, सीटीए के लिए बना रहे हैं, क्लेम के लिए बना रहे हैं, किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। अगर मैं फेमिनाइन प्रोडक्ट है मेरा, तो मैं पिंक कलर में बनाऊंगा, मेरी ऑडियंस पता होनी चाहिए। बच्चों के लिए मुझे बनाना है तो मुझे उसके कलर कॉम्बिनेशंस अलग रखने पड़ेंगे। बच्चों के लिए मैं बच्चों की साइकोलॉजी को अपील कराने के लिए, उनके इमोशंस को ग्रेप करने के लिए उनके लिए ऐड अलग बनेगा, और वही ऐड बड़ों के लिए अलग बनेगा। तो मुझे मेरा ऑडियंस भी समझना है, मुझे मेरी इंटेंशन भी समझनी है, तब मुझे वो ऐड डिज़ाइन करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है दोस्तों। अब जब आप ऐड डिज़ाइन करने जाओगे, 5 चीज़ें ऐड में चाहिए होती हैं, सिर्फ 5। पहला है पोस्टर का टाइटल, जो ऐड डिज़ाइन करने के लिए जो पोस्टर बनाएंगे उसका टाइटल क्या है। जैसे मैंने योगा लिखा, वो उसका टाइटल था। स्लोगन उसके नीचे आपने लिखा, एक होलिस्टिक अप्रोच फॉर हेल्दी लाइफ, वो उसका स्लोगन, सिंगल लाइन कैच लाइन। और फिर उस पर एक इमेज लगी, एक लड़की की इमेज इधर रखी थी, वो क्या था, वो विजुअल्स थे, इलस्ट्रेट कर रहे थे आपकी बात को। और चौथा उसकी बॉडी, आपने कुछ और डिस्क्रिप्शन लिखा, कुछ और लिखा वहाँ, तो वो बॉडी कहलाती है उसकी, कंटेंट हाइलाइट्स, डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स। और पांचवा होता है सिग्नेचर। तो मेरे इस एड में जो पीछे देखेंगे, तो इसमें जो सिग्नेचर है वो यहाँ हम दोनों जो बैठे हैं, वो क्योंकि हमने यहाँ कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं डाली है, तो हमारे फेस ही हमारा सिग्नेचर है कि हम कौन हैं। तो आप जो अपनी तरफ से लिख रहे हो वो आपका सिग्नेचर है, मीन्स आपका जो ब्रांड नेम, कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट्स, जो कुछ भी लिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड योर सिग्नेचर। तो दोस्तों हमें 5 चीज़ें एक ऐड में रखनी होती हैं स्टैंडर्ड। इन 5ों को कैसे रखते हैं, आज कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये फॉक्सवैगन का बहुत पुराना ऐड है, तो इसमें सबसे पहले हेडलाइन है थिंक स्मॉल, विजुअल्स में कार दिखाई दे रही है, डिस्क्रिप्शन में उसने बहुत सारी भाषा लिख दी है,
और यहाँ फॉक्स वैगन का लोगो लगा हुआ है, ये उसका सिग्नेचर है, स्लोगन इसमें उन्होंने लिखा नहीं है। तो ये चार चीज़ें उसमें रखी हैं उन्होंने, हमें पांच चीज़ें रखनी है। किसी चीज़ को स्किप करना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब उसमें रखा क्या जा सकता है ऐड बनाने के लिए, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। पहली इमेजेज, कोई पिक्चर हम कहीं से भी ला सकते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे कहाँ से ला सकते हैं। लिखने वाला टेक्स्ट, आर्ट वर्क, कोई डिज़ाइन, कुछ क्रिएटिविटी, कोई एनिमेशन, कुछ स्पेशल क्रिएशन जो आपने डिज़ाइन कराया हो या किया हो या करेंगे या इंटरनेट से उठाया हो, कुछ क्रिएटिव हो, या कोई शेप्स ले लिया आपने, स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, आपने स्फीयर ले लिया, कोई भी आपने बनी हुई शेप ले ली, उन शेप्स को जोड़ के, आर्ट वर्क को जोड़ के, टेक्स्ट को जोड़ के, इमेजेस को जोड़ के आप ऐड बनाएंगे। अब बनाएंगे कहाँ? वेयर टू डिज़ाइन, मुझे तो आता नहीं, तो कहाँ बनाएंगे? बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, कोरल ड्रॉ है, अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब इन डिज़ाइन है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। अब ये इतने सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सीखना इतना आसान नहीं है, महीनों लग जाते हैं सीखने में, और आपका कोर नहीं है डिज़ाइन क्रिएट करना, तो आपको तो कोई हैंडी सा काम हो, बस 5 मिनट करें और ऐड क्रिएट हो जाए, ऐसा कुछ हो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम सब यूज़ करते हैं, यू कैन यूज़ दिस फॉर एड क्रिएशन। और अगर ऑनलाइन मुझे कुछ टेम्पलेट्स चाहिए, रेडीमेड टेम्पलेट्स जिसको कस्टमाइज करके मैं क्विक एंड हैंडी एड्स क्रिएट कर दूँ, canva.com। तो आज इन दोनों पे हम एड पोस्टर डिजाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, सीधे चलते हैं हम, और मैं आपके माइक्स ओपन कर देता हूँ, प्लीज़ अपने माइक्स पर कंट्रोल रखना। आपके माइक अभी आप ओपन कर सकते हो अपने एंड से, और मैं लेके चलता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। पहले यहाँ कैसे ऐड डिज़ाइन करेंगे, तो मैं आप में से कोई भी एक आदमी जिसकी कोई फर्म हो वो आप ओपन कर सकते हैं माइक, कोई भी एक प्लीज़। आप ओपन कर सकते हैं प्लीज। लोकमान जी मेरा ही बना दीजिए ऐड। नाम बताइए। फर्म का नाम JSR इंश्योरेंस। JSR का तो बनाया था सर एक बार, आज माफ बनाया था, एक बार बना दीजिए, लास्ट टाइम वो दूसरा था, वो ग्लोबल ब्रेन सॉल्यूशन जी। चलो भैया बना दीजिए। अर्णव जी आज माफ कर, ऑर्गन डोनेशन का बने। पार्डन, मुझे वापस बताएं। ग्लोबल ब्रेन सॉल्यूशन GBS। लिख के बताएंगे प्लीज मुझे, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। GBS ग्लोबल ब्रेन सॉल्यूशंस। ग्लोबल ब्रेन सॉल्यूशंस, आपका शुभ नाम और बताएं सर मुझे प्लीज। अशोक कोहली ग्लोबल ब्रेन सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखिए हम बिल्कुल शुरू से चलते हैं। अगर मुझे व्हाट्सएप के लिए पोस्ट बनानी है, व्हाट्सएप के लिए पोस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, व्हाट्सएप पे जो पोस्ट होती है जितनी लंबी होती है उतनी चौड़ी होती है, जितनी लंबी होती है उतनी चौड़ी होती है, तो मैं क्या करूँगा उसकी लंबाई चौड़ाई ऑलमोस्ट बराबर लूँगा। अब ये जो पेज मैंने लिया, एक नई स्लाइड ली, मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, आपको दिखाई दे रहा है? आप सबको दिखाई दे रहा है? यस। अब इसमें मैंने इसके डिज़ाइन में गए, बहुत सिंपल है, जाने के बाद पेज सेटअप देखा, पेज सेटअप में यहाँ मेरी विड्थ है 10 इंच और हाइट है 7.5। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि व्हाट्सएप में दो तरह की इमेजेस लगती हैं। पहली इमेज लगती है एक स्टेटस पे और एक पोस्ट में। तो जो स्टेटस पे लगेगी वो जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी, मीन्स इफ दिस इज 4 इंच हाई इमेज देन इट शुड बी 4 इंच वाइड। बट इन केस यू आर क्रिएटिंग अ पोस्टर फॉर योर पोस्ट एडवर्टीजमेंट पोस्ट, देन इट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 4:3, मीन्स इट शुड बी 3 इंच हाई और 4 इंच वाइड दिस वे, यानी चौड़ा 4 इंच हो और खड़ा 3 इंच हो, रेशियो 4:3 का हो।
तो यहाँ आप देखेंगे ये इसकी विड्थ है 10 इंच एंड हाइट इज 7.5, सो दिस इज ओके, 3:4 का रेशियो इसमें ऑलरेडी है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को इसका बैकग्राउंड चेंज करना है. तो ग्लोबल मेरे को वापस बोलेंगे आप क्या नाम है, अशोक कोहली, ग्लोबल ब्लेन सॉल्यूशंस. जस्ट आप ओपन रखना और मैं आपको लेके चलता हूं इंटरनेट पर. यहाँ जाने के बाद अब मुझे ब्रेन्स सॉल्यूशंस एक इमेज सर्च करनी है. इंटरनेट पे गए आपने, इमेजेज में जाने के बाद कोई भी एक ऐसी इमेज सर्च की जिसमें किसी की पिक्चर ना हो, किसी का फेस ना हो. फेस होगा तो वो कॉपीराइट इशू बन जाएगा. तो यहाँ से आपने ब्रेन सॉल्यूशंस के लिए बहुत सारी इमेजेज आपके पास अवेलेबल होंगी इस डेटाबेस में, जहाँ से कोई भी इमेज आपने ले ली. मुझे बताएंगे कौन सी इमेज ले लूं सर, आपको जो अपील करे. मैंने ये ले ली, यही ले लो सर. चलिए मैंने ये इमेज आपकी ले ली सर. और इस जी सर, मैंने क्या करना है, डेस्कटॉप पर सेव कर देना है. यहां से राइट क्लिक किया, सेव एज, डेस्कटॉप पे पिक माय ब्रेन. सेव कर दिया. अब सेव करने के बाद मैं वापस अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में गया. यहां इसको मैंने इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट पिक्चर, और डेस्कटॉप से पिक्चर मैंने इंसर्ट की. ये लीजिए, अब ये इमेज मेरी यहां आ गई, जिसको मैं रिसाइज कर लूं अपने हिसाब से. अब इसको मुझे थोड़ी क्रॉप करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसके अपर साइड में थोड़ा ज्यादा है, उसको वहां से काटना है. तो मैं यहां से इसको डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके ये क्रॉप आ जाएगा. क्रॉप पर मैं बटन दबाऊंगा राइट साइड में, तो मुझे जहां से जितना भी इसको कट लगाना है मैं इसको कट लगा सकता हूं. और ये मेरी इमेज ऊपर से कट गई है. अब मुझे नीचे जगह मिलेगी थोड़ी लिखने के लिए. यहां मुझे क्या करना है, टाइटल लिखना है नीचे. नीचे टाइटल में ग्लोबल ब्रेन सॉल्यूशंस बोल्ड किया. ये आपका टाइटल हो गया. अगर आपके पास कोई लोगो है आप लोगो ला के रख सकते हैं. अच्छा, अब आपका ग्लोबल ब्रेन सॉल्यूशंस का कोई स्लोगन है अशोक जी? जॉइन हैंड्स टू एक्सेल. किसी का माइक ओपन है प्लीज. इसका साइज छोटा होता है उससे. जॉइन हैंड्स टू एक्सेल.
चलिए जी, ये आपकी एक एड बन गई, बहुत सिंपल सी। अगर आप इसको कोई बैकग्राउंड का कलर देना चाहते हैं, आप कलर दे सकते हैं। इसमें और कुछ रखना चाहते हैं अब यहां, अगर आपको सीटीए देना है तो आप इसको सीटीए दे दो। यहाँ ऐड, अभी तक आपकी ऐड सिर्फ दिमाग को अपील कर रही है, पर अभी लोगों को मैसेज नहीं दे रही। आपने क्या किया, यहाँ लिख दिया कॉल एंड नो द सीक्रेट टू एक्सेल इन एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस को आप लाल कलर में दे दो, दुनिया डरती है इससे। फॉर फ्री, और यहां कहीं नीचे नंबर बताओ अशोक जी। अशोक जी 9355 जी 9355 73 92 11 देख लेना सर, कहीं नाम भूल जाओ अपना भी। नहीं नहीं नहीं, ये लीजिए, आपने बिल्कुल छोटा सा सीटीए दे दिया यहाँ, और इसमें मैं इसको थोड़ा और क्रॉप कर देता हूँ ताकि आपकी इमेज आगे सरक जाएगी। सीटीए के लिए आपके पास जगह बन जाएगी। ये आपकी इमेज क्रिएट हो गई सर, ये आपका पोस्टर बन गया। मैंने बहुत जल्दी बनाया, आप इसमें और भी लॉजिक्स आप अपने लगा सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, यहाँ सेव एज करना है। यहाँ ध्यान रखना है, जब सेव एज करेंगे तो दिस शुड बी सेव्ड एज एज ए जेपीईजी फाइल, जेपीईजी फॉर्मेट। इट मस्ट बी सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ और इन द फॉर्मेट ऑफ जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफी। जस्ट ए मिनट, और करंट स्लाइड, अभी एक ही स्लाइड है तो एक ही हमने सेव कर दी, अभी ये मेरा सेव हो गया। अब मुझे इसको लेके व्हाट्सएप पे जाना है ऐड बनाने। ये मेरा व्हाट्सएप है, यहाँ आपका ग्रुप है, मान लिया W7। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड आई हैव टू क्रिएट वन ऐड। डेस्कटॉप से मैं अपनी इमेज ले लूँगा, यहाँ
ये लीजिए साहब, आपकी ऐड हो गई तैयार। कुछ भी ज़्यादा टैक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, जिसमें सबसे ज़्यादा दो जगह फ्री दिखाया गया है। और यहाँ आपको ना तो आपका नाम आया, अगर किसी को ये बात अच्छी लगती है, किसी को गोल डिसाइड करने हैं, बेनिफिट, मोटिवेशन, एक्सीलेंस, स्ट्रेटजी, माय गॉड जाने क्या क्या लिखा है, अगर किसी को अपने बच्चे को जीनियस बनाना है, फ्री कॉल नाउ। अब कैसे फ्री में बनाना है उसको, क्या आपको स्ट्रेटजी बनानी है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने एंड पे। पर आपका पोस्टर 5 मिनट में अपीलिंग पोस्टर चला गया। ये क्लियर है, सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क। सर, हाउ टू गो टू दिस व्हाट्सएप सर? से फॉर एग्जांपल वी प्रिपेयर ए पीपीटी स्लाइड ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप, हाउ टू गो टू दिस व्हाट्सएप सर? यस, दिस इज सो सिंपल। सो जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। सो दिस वॉज आर इमेज, वी प्रिपेयर्ड इट ऑन आर पावर पॉइंट, एंड इन पावर पॉइंट this is a separate thing, means whatever text I have mentioned over there and whatever image is there, they are in separate form. Now I have to mix them, I have to freeze them in a single image on, and after that freezing it cannot be separated now. तो अब जब वो नहीं होगी तब हमें वो एक इमेज मिलेगी। वो इमेज बनाने के लिए, टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सेव इट in the format of JPEG. This is JPEG format. जब हम JPEG format में इसको सेव कर देंगे तो it will be saved on our desktop or in the folder wherever we want to save it, वहाँ ये save हो जाएगा। Simple. Once it got saved, then हमें क्या करना है, फिर हमें जाना है अपने WhatsApp में। अभी मेरा WhatsApp open है मेरे laptop पर, तो मुझे simply I have to click on attach, जहाँ भी attach का जो pin बना हुआ है, at that pin I have to attach, and there is first option photos and videos, you can do it from your mobile also, the same thing is there, same procedure is there, photos, and select the image from the folder you have saved it, it will come over there. Now there is one line, add a caption below it. So we have to add some caption, some text with this image. So just illustrating that particular image, for that purpose it is being made. Now I am writing somewhere there, just want to make your child genius. Call us. फॉर फ्री यहां लिखा मैंने, इसको पोस्ट कर दिया, सिंपल, आई पोस्टेड इट। ओके सर, एंड हाउ टू कम टू दिस व्हाट्सएप सर? व्हाट्सएप अभी व्हाट्सएप में ही आ गया ना, ये देखो व्हाट्सएप तो हमने ओपन किया है ना डेस्कटॉप पे, आपने वी हैव टू ब्राउज इट सर। एग्जैक्टली, वी यू हैव टू ओपन योर व्हाट्सएप ऑन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, एंड वो व्हाट्सएप का प्रोविजन है, व्हाट्सएप में वो फीचर है कि आप अपने व्हाट्सएप को जब यहाँ ओपन करोगे web.whatsapp.com, जब उसका वेब वर्जन ऑन करोगे लैपटॉप पर, तो वो इसको स्कैन करेगा आपके मोबाइल से। आपका मोबाइल जैसे ही स्कैन कर देगा, ये दोनों जगह चलेगा, मेरे मोबाइल पे भी चल रहा है और लैपटॉप पे भी चल रहा है। आई थिंक क्लैरिटी है। तो ये हम बना सकते थे पावर पॉइंट से पोस्टर। So this was the first half part of creating poster advertisement for social media platforms. Now we are image Google से direct ला सकते हैं क्या? Yes, Google से direct ला सकते हैं, you can do it. मैं अभी वापस दिखाता हूँ आपको कि ये हमारा poster था। अभी मुझे Google पर मैं गया और गूगल से मैंने कोई और इमेज वहां से कॉपी किया, एंड आई केम ओवर देयर, एंड विदाउट सेविंग इट आई केम हियर,
मैंने वहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ आके पेस्ट कर दिया, जस्ट पेस्टेड हेयर एंड इट केम हेयर। बस हमें ये देखना है कि कोई भी फेस इमेज ऐसा ना लें जो कॉपीराइट का इशू ना बने, बस हमें सिंपल इमेजेस कहीं से भी हो, वी कैन टेक ऑल ऑफ दोज। हाँ, कॉपीराइट इशू नहीं होगा अगर हम किसी की इमेजेस नहीं लेंगे या ऐसे सोर्स से इमेज नहीं लेंगे जो कॉपीराइट है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कॉपीराइट इशू नहीं है, वहाँ से आप ले सकते हैं। यस, वो डिस्कस करेंगे मैम, अभी मैं ये कंप्लीट कर दूं फिर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो इस रूम में जितने लोग हैं वो जितनी वेबसाइट जानते हैं प्लीज आप नोट कर देना, तब तक इसमें हमारे कई लोग इस यहाँ हैं जिन जो वहाँ से वेबसाइट्स लेते हैं। Actually, I don't know the how to do attach this WhatsApp to laptop, sir. So, वो एक अलग इशू है सर, वो मुझे आप अलग से पूछ लेंगे, मैं वो आपको अलग से बता दूंगा। यू जस्ट कॉल मी एंड you and I'll demonstrate also to you. Okay sir, thank you sir. In the later classes we are going to do this, कैसे transfer करना है, कैसे attach करना है, अभी ad designing पे सारा focus करें बस सर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अब हम में से सब लोगों को ये शायद ये पहली समझ में ना आए या PowerPoint पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सारी चीजें कैसे create करूँ, then we have another option with us, बहुत ही simple option है and that is canva.com and this one is a platform wherein you can have already customized templates of almost every kind of business document, jahan aap kuch bhi apne liye create karna ho apne business ke liye you can do it, aapko wahan already aapko templates mil jayenge aur un templates mein aapka apna data customize karke आप वहाँ ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू ओपन इट, इट टेक्स जनरली लिटिल टाइम टू गेट इट ओपन। यस, अभी ये ओपन हुआ एंड ये जब भी आप जाएंगे तो यू हैव टू रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज फॉर फ्री। फ्री करने के बाद you'll see there are so many categories, logo, poster, YouTube thumbnail, book cover, certificate, Instagram post, animated social media and Instagram story, presentation, video, Facebook post, infographics, invitation, everything is there. Whatever you want to create for your business, for your services, you can get it from here. यहाँ मुझे अभी poster create करना है, तो I just clicked on सत्या, ये आदमी वापस आ रहा है, इसको please entry मत देना सत्या। यस सर, यस सर। इस आदमी को वेटिंग रूम में से ब्लॉक करो, जूम को रिपोर्ट कर दो, वहीं से इसको ब्लॉक करके ना जूम को रिपोर्ट करो। ये वरुण बादवा जी को, वरुण बादवा जी तो पहले से एंटर होंगे शायद, देख लो एक एंट्री उनकी ऑलरेडी होगी। चलिए तो ये मेरा अभी ओपन हो रहा है, इट इज गेटिंग ओपन। नहीं है सर, इसमें एंटर दे दो। वरुण बादवा जी का एक, हाँ दे दो, वरुण जी दो अकाउंट से एंट्री है उनकी। चलिए, इट इज टेकिंग लिटिल टाइम टुडे। यस, वरुण जी ने लिखा है unplash.com, कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं है, वहां से ले सकते हैं। और pixels.com है, वहां से ले सकते हैं। सत्या जानते हैं 10 वेबसाइट्स वहां से ले सकते हैं। pixabay.com है, वहां से ले सकते हैं सर, लिख के बता दें। और यहाँ आप देखेंगे जब हम पोस्टर कैनवा पर जाएंगे, तो मैंने पोस्टर पर क्लिक किया तो उसने बहुत सारे टेम्पलेट्स मुझे यहाँ अवेलेबल कर दिए, और इनमें से कोई भी टेम्पलेट जो मुझे अच्छा लगता है आई कैन टेक इट टू क्रिएट। ये देखिए, मैंने एक टेम्पलेट लिया जो कैनवा ने अभी नया डाला है। यस,
अब ये टेम्पलेट मेरे पास ऑलरेडी, बट यहाँ रिसाइजिंग मैं नहीं कर सकता, फॉर फ्री कैनवा मुझे रिसाइज नहीं करने देगा। सेम साइज जो उसका स्टैंडर्ड साइज है, उस स्टैंडर्ड साइज में वी कैन क्रिएट अ पोस्टर फॉर आर सर्विसेज। अभी यहाँ मुझे क्या करना है, ब्रेन सॉल्यूशंस, ग्लोबल ब्रेन सॉल्यूशंस, लिख दिया, और बना दो, अब मेरा बना दो। यस प्लीज प्लीज, जरूर जरूर बोले सर। हेलो, आप अपने बिजनेस का नाम बताएं प्लीज। सर मेरे को बनाना है क्योर डिजीज़ एंड वेट लॉस नेचुरली। अच्छा, मैं इसको क्या अपना नाम भी इसमें, अपनी नाम की भी ब्रांडिंग चाहता हूँ, जैसे अरुण छाबड़ा क्योर डिजीज एंड वेट लॉस नेचुरली कुछ ऐसा डालना चाहता हूँ। तो अपने नाम का आप ए सी करके लोगो बनाइए, ए सी, हाँ ये भी हो सकता है। आप ए सी करके एक लोगो बनाइए, उसमें वेट लॉस का बता दीजिए। अब ये वांट टू कट वेट आया सर, इस वांट टू कट वेट में है, क्यों डिजीज़ भी होगा। सत्या, ये दोनों साथ की साथ होता है, अगर वो जो असिस्ट। हाँ हाँ, आई एम इन ए ज़ूम मीटिंग, आई विल कॉल यू लेटर ऑन। ठीक है सर, देख इनको देखना सत्या, ये राकेश पवार जी है तो अपने क्लास के, पर इनको आइडेंटिफाई कर लो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। अब यहाँ जाने के बाद वांट टू कट मैंने क्या किया, यहाँ अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो आप, अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यही टॉप पर देर आर ऑप्शंस टू चेंज योर फॉन्ट एंड साइज ऑल्सो इनकेस यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर साइज। Want to cut weight? कैंची आई है तो कट वेट आ गया। यहाँ आपने नीचे छावरा जी आपका वो क्या है सर, इसको हिंदी में भी डाल सकते हैं क्या? हाँ हिंदी में भी डाल सकते हैं, अगर आपका यहाँ मुझे कैनवा पर फॉन्ट हिंदी नहीं होगा, बट आप अगर पावर पॉइंट में डिजाइन कर सकते हैं तो वहाँ जरूर आपको हिंदी फॉन्ट में बिल्कुल कर सकते हैं 100%। अच्छा अच्छा, हाँ तो गूगल हिंदी कीबोर्ड ले लीजिए, उसके ऊपर ट्राई करते हैं। तो यहाँ आपने जो कस्टमाइज किया, यहाँ आप अपना नीचे मुझे बताएं सर आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स कोऑर्डिनेट। अरुण जी आप बताएं डिटेल्स अपनी, फर्म नेम बताएं अपना। अरुण जी सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? अब आ गई, आ रही है। बताएं आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स बताएं, फर्म नेम बताएं। हेलो, हाँ 989 989 989 111 8427 8427 8427 7। ठीक है, कॉल अरुण छावरा एट दिस, और आपका फर्म नेम भी बता दें, स्पेस है मेरे पास यहाँ। नहीं, फर्म नेम बनाना है सर, मेरे को ये पूछ रहा था कि मेरे को जैसे मेरे नाम के साथ कुछ ऐसा हो जाए, जैसे लोग लिखते हैं सेंटर लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, तो सेंटर तो नहीं लिख सकते, इसको ऑनलाइन ही हमने जाना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे?
से डिसाइड कर लेंगे, मैं अरुण छाबरा लिख देता हूँ या ठीक है छाबरा हेल्थ सेंटर लिख देता हूँ। इसके फॉन्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ एड्रेस में और कुछ लिखना है आपको, शहर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ ये टेक्स्ट है आपका, ये ऑनलाइन कंसल्टेशन देनी है मैंने। Now available consultation available online, ये लीजिए सर, अभी consultation online available है। मैं short में लिख रहा हूँ कि वो time कम लेगा, अगर आपको बहुत detailed design करना है तो आप कल मेरे साथ बैठ के कर लेंगे इसे। यहाँ आपने लिख दिया, यहाँ आपने नाम लिख दिया, यहाँ कैंची छाप दी, अगर आपको मोटे पतले दो आदमी लगाने हैं वो भी यहाँ लगा सकते हो, यहाँ से आप इमेज अपलोड कर देंगे दो मोटे पतले आदमियों के तो वो भी आप यहाँ से ले आएंगे। कैसे इमेज ले आएंगे, मैंने इंटरनेट से एक इमेज निकाली, लूज वेट सर्च किया, और यहां से आपने ये वाली इमेज मान लिया, मैंने ले ली। वाली अच्छी है जी, वाली को मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे, वेट लॉस, और यहाँ कैनवा में गए, इसको यहाँ अपलोड किया, मैंने वहां से अपलोड कर दिया इसको, पहले डेस्कटॉप पे लगाया, डेस्कटॉप से फिर इसको पाथ देके हमने अपलोड किया, इसको मैं यहां लेके आया, आप इस इमेज को पीछे डिजाइन करके लगा सकते हो, मैं अभी इसको सिर्फ ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको आप बाद में आराम से डिजाइन कर सकते हैं, या इसको यहाँ लगाया,
ये लीजिए, मोटा मोटा सा डिजाइन हो गया है, थोड़ा टाइम और लगाएंगे तो ये और अच्छी बन सकती है। ये सही है, ये लीजिए। वांट टू कट वेट नेचुरली, ये उल्लेखना। हाँ ठीक है, ओके सर, राइट राइट। अब यहाँ ये बहुत सिंपल सा और बड़ा अपीलिंग सा बना है, यहाँ आपने फेस नहीं दिखाया तो और अच्छा लगा है, क्यूरियोसिटी जनरेट हो। यस सर। और यहाँ इसको आप, यस सर, यहाँ इसने आप यहाँ आप इसको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ साइड में आपके पास ऑप्शन है, तो ये जेपैक फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, जेपीईजी। ये देखिए ये आपका डिज़ाइन तैयार कर रहा है। मेरे पास ये डाउनलोड हो गया और मैं अब इससे आपकी एड डिजाइन कर रहा हूं। एक मिनट, अब ये डाउनलोड B1 में भेजना सर, B1 में। हाँ ये एक मिनट डाउनलोड हो जाए, अभी शायद डाउनलोड हुआ नहीं। टेकिंग लिटिल टाइम, यस। आपको मैं B1 और B7 दोनों में भेज रहा हूँ, ये B1 लीड जनरेशन वाले में ना। हाँ जी सर। चलिए यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट। सर कहीं कहीं पर हम 3D बॉक्स देखते हैं, वो भी बना सकते हैं क्या कैनवा पे? नहीं, कैनवा पर 3D बॉक्स नहीं बनेगा, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। ओके हाँ, बट बना सकते हैं आप। सर कौन सा है सर सॉफ्टवेयर, ना नाम अलग है, मैं भेज दूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं 3D बनाने के लिए। अच्छा, वांट टू कट वेट नेचुरली फॉर फ्री, कॉन्टेक्ट अरुण टुडे एट डस 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 डस, ये लीजिए साहब। अरुण जी आपका पोस्टर बन गया, आपका ऐड बन गया सर। अगर मुझे इसी को B7 में डालना है तो मैं B7 में भी डालता हूँ। वांट टू रिड्यूस वेट, नेचुरली कॉल अरुण एट डस 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 डस, ये लीजिए। हो गया क्लियर? यस प्लीज। सर वो 3D बॉक्स का वो सॉफ्टवेयर का नाम बताएंगे ना प्लीज? हाँ, 3D बॉक्स के सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं इसमें डाल दूंगा, कई सॉफ्टवेयर हैं 3D के, और मैं आपके इसमें डाल दूंगा, जिसमें से जो इजी होगा वो निकाल के मैं आपको इसमें डाल दूंगा। सर एक मिनट, इंडिया लेता ले। यस प्लीज। जो क्वेश्चंस हों इससे रिलेटेड, जिनको दूसरी क्लासेस में जाना है वो जा सकते हैं, और बाकी जिनको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। सर इसको डायनामिक कर सकते हैं क्या? डायनामिक इमेज को? इमेज सर डायनामिक नहीं होती सर, इमेज तो इमेज होती सर, वेबसाइट डायनामिक हो जाती सर। इमेज डायनामिक नहीं, आप इसको एनिमेशन कर सकते हैं क्या? हाँ, वही बोल रहा था सर।
वो GIF GIF बना सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा वो GIF एक्चुअली वही नहीं GIF इमेज बना सकते हो आप, बट GIF इमेज बनाने के बाद वो GIF प्लेटफॉर्म्स पे वो GIF की फॉर्म में चलेगी नहीं चलेगी ये आपकी कंडीशन है कि WhatsApp में वो GIF इमेज ऐसे चलती नहीं है, बट आप क्रिएट कर सकते हो GIF। चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस बलवीर जी आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर वो 3D बॉक्स का सॉफ्टवेयर बताएंगे ना प्लीज? हाँ 3D बॉक्स का मैं डाल दूंगा, 3D बॉक्स का मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको ओके सर टीम में जो डिजाइन करते हैं मैं उनको पूछ के वो कौन से वाले पे डिजाइन करते हैं वो मैं आपको डाल दूंगा। सर सर अरुण जी के लिए सर व्हाइल ओपनिंग दिस कैनवास सर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ना सर हाउ टू कम दिस दिस पॉइंट सर दिस प्रिपरेशन पॉइंट यस कैनवा जब व्हेन वी ओपन कैनवा व्हेनेवर यू विल गो टू कैनवा सो आई एम गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट इट वंस अगेन सो देयर इज वन पोस्टर ऑप्शन सर द सेकंड ऑप्शन यू विल सी और एट एनी इट विल बी पोस्टर तो आपको जब पोस्टर क्रिएट करना है उसके लिए यू हैव टू गो टू पोस्टर हाँ आपको वहां जाना है। चलिए और किसी का कोई सम दिस इंस्टाग्राम ब्लैंक इज देयर ना सर समटाइम्स इट हैपेंस इंस्टा ब्लैंक एंड व्हेन आई यूज दिस व्हेन आई यूज इन व्हाट्सएप सर आई एम सीइंग दिस इंस्टाग्राम ब्लैंक डिजाइन समथिंग लाइक ब्लैंक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बट इन केस यू आर क्रिएटिंग something, some banner for Instagram, then you have to make sure it should be in the spherical form. The width and the height both should be same. Instagram requires 1:1 aspect ratio of the posters, whereas for WhatsApp you can... Sir ji... Ji, please. Sir ji, if you will choose just create design without a template, then it will show as blank design. So I think he's not choosing a template. He's directly going with create. Yes, sir. नहीं blank design कहाँ Canva में? PPT में. हाँ PPT. Canva में sir. जी sir अगर आप top right पे create a design click कर देंगे, तो वो blank design आ जाएगा Canva में. अच्छा. नहीं तो वो कैनवा का नहीं पूछ रहे वो तो व्हाट्सएप का पूछ रहे हैं व्हाट्सएप में जब कुछ डालते हो तो वहाँ कुछ ब्लैंक आता है ही इज आस्किंग फॉर व्हाट्सएप सर आज का होमवर्क क्या है सर आज का होमवर्क है आपको 5 पोस्टर क्रिएट करने हैं यू हैव टू क्रिएट 3 पोस्टर्स एट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2 पोस्टर्स इन कैनवा 5 डिफरेंट टाइप्स के आपके और एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स क्रिएट करने हैं 5 टोटल ये आज का होमवर्क है ओके सर थैंक यू लास्ट पॉइंट सर हाउ टू सेलेक्ट दिस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर पोस्टर पोर्ट्रेट डिजाइन एंड लैंडमार्क वो लैंडस्केप दिस इज सो सिंपल सर जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो आई एम गोइंग टू ओपन इट फॉर यू I mean to say in Canva, sir, in Canva. So in Canva, there is one option only. Just a minute. Sir, I will tell him. Canva mein... Could you show me both, sir? Thank you, sir. If you see the newspaper and any advertisement... And you see there is a rectangular shape. Always होती है तो आप जो newspaper के ad होते हैं आप देखिए most of the time so you will get the idea and in different apps also you get different sizes for social media if you just go to any app design app download it you will get the idea in that Instagram Twitter Facebook and various other different apps you will get different sizes sir I have a question regarding last class sir Yes, please. Yes, sir. Sir, while sir catalog banane ka time mein, mera ek catalog sir approve nahi hua.
और उसको दोबारा रीडिजाइन करो, दोबारा अपलोड करो सर। अच्छा यस सर। ओ सर सत्या सर, आप जो बोल रहे थे प्राइस का जगह में YouTube लिंक डालने के लिए, यस सर, उसमें सर वो तो फॉर्मेट डिफरेंट दिखा रहा है, जैसे डैश डैश डॉट डैश ऐसा आ रहा है, स्लैश स्लैश डॉट स्लैश आ रहा है। मैं तो समझा नहीं सर। तो प्राइस का जो टैग है प्राइस में ना, उसमें हाँ वो फॉर्मेट ऐसा दे के रखा है कि आप दे नहीं, हम दे नहीं पाए। आप एक दो बार दोबारा ट्राई कीजिए। जब आप लिंक में जाते हैं स्पेशली, आप प्राइस तो मेंशन कर सकते हो आप मेंशन, बट पार्टिकुलर लिंक में या तो आप पार्टिकुलर लिंक में या तो आप पेमेंट लिंक डालिए या यूट्यूब लिंक डालिए, ठीक है, तो वही आपका सर काम करेगा। यस सर, यस सर, बढ़िया बढ़िया रौनक जी। सर ये पीछे ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो ज़ूम से ही प्ले कर रहे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप से? अरे ज़ूम से ही है, ज़ूम के अंदर इनबिल्ट है यार। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कर सकते हैं। ज़ूम के अंदर ही आता है सर। लोगों के लिए तो एक द मौत करके है, बहुत अच्छा है, उसमें हम 2 मिनट में उसका लोगो डिजाइन कर सकते हैं। सब लोगो डिजाइनिंग एंड्रॉइड ऐप भी आते हैं सर। कौन सा बता रहे हैं सर आप? क्या सर? सिस्टम पे जाएंगे तो द मॉथ, द मॉथ, टी एच ई स्पेलिंग टी द मॉथ, टी एच टी एच टी एच ई, फिर बाद में दूसरा वर्ड है MOTH। ग्रुप में डाल देना ग्रुप। फिर designhill.com है, वो भी अच्छा है लोगो डिजाइनिंग के लिए, टूल्स के लिए सब। डिजाइन हिल व्हाट्सएप, हाँ डाल दे रवि जी, उसमें डाल दीजिए ना सर, चैट में डाल दीजिए ना, व्हाट्सएप के चैट में या इसके चैट में। मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ, मैं अपने वाले में डालूंगा तो सर डाल देंगे फिर। हाँ ठीक है, मैं उधर से पास कर देता हूँ। आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है, लोगो मेकर है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है ये, एंड्रॉइड फोन में लोगो बना देगा आपका। सभी सर डिजाइन के लिए, क्रिएशन के लिए तो बहुत सारे ऐप पड़ेगा, एंड लोगो मेकर 3 वर्ड्स सर, कोई मिस नहीं हो रहा सर? कोई मिस नहीं होगा, जब लोगो डिजाइनिंग में आओगे तो हम भी बहुत सारे बताएंगे आपको। लोगो मेकर में कौन सा बताया है? इसमें काफी हैं ऐप में, ऐप में आपके इंडिक ऐप पता है, बहुत बढ़िया आपका लोगो मेकर नाम ये आपका रौनक, एपीआई डिटेल्स कौन सी चाहिए? रौनक है वो, कहाँ से परचेज कर पाए एपीआई? हाँ हाँ ये है, रौनक भेज रहा हूँ मैं। 7 3 ग्रुप में भेजना, व्हाट्सएप पे वो इजी रहेगा, यहाँ से कॉपी करना। सर जी आप जो 3D लोगो डिजाइनर बोल रहे थे ना, एक लोगो मेकर है चेन्नई की कंपनी, उसका मैं एक मेरे पास एक सॉफ्टवेयर भी था, मैं भी देखूंगा, मैंने पेड सॉफ्टवेयर लिया था ऑफलाइन
वो ड्रैगन ड्रॉप ही एसएमएस जो डेस्कटॉप से लास्ट क्लास हुई थी उसमें क्या करना है सर नेक्स्ट स्टेप्स उसमें नेक्स्ट स्टेप अगर आपको कौन थी सर एसएमएस से लीड जनरेट करने तो एसएमएस पैनल लेके और आप अपना काम शुरू करो किसी से भी ले एसएमएस जो पैनल लेना है आप अगर मार्केटिंग के लिए चाहिए तो कहीं से भी एसएमएस पैनल परचेज कर लें दो तरीके हैं एक तो आप कोई थर्ड पार्टी डैशबोर्ड ले सकते हैं किसी का और दूसरा एक होता है गूगल सीट के थ्रू जी सूट में एक जी सूट का एप्लीकेशन है एड ऑन एप्लीकेशन वहाँ से आप कर सकते हैं दो तरीके हैं हमारे माइक बलबीर सिंह सर हैंड रेज करो सर आप बलबीर जी पर हैंड रेज करो सर यस दो मिनट दीजिए बस भी कर रहा हूँ सर आप लोग भी एक गिफ्ट देने वाले थे वो सॉफ्टवेयर फ्री वाला वो कब दे रहे हैं बहुत जल्दी सर चिंता न करें क्लास आ जाए सर जैसे पहुंचेंगे बलबीर जी का माइक नहीं ओपन वो दिवाली गिफ्ट हो जाएगा सर सर ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास बलबीर सिंह को सर बलबीर जी मैंने अनम्यूट कर दिया बलबीर जी को वो अपने एंड से कर लें यस सर बलबीर जी अपने एंड से कीजिए सर यस नाम बड़ा प्यारा सर आपका यस बलबीर जी बताइए सर हेलो बब्जी की आवाज नहीं आ रही अभी सर देखिए एक ही मेरा सेशन है जितने भी लोग अभी इस क्लास में हैं स्पेशली एड डिजाइनिंग ये टोटली डिपेंड करती है हाउ मच यू प्रैक्टिस कितना आप प्रैक्टिस कर पाते हैं तो कुछ थोड़ा मोड़ा समय दीजिए प्रैक्टिस के लिए ठीक है ताकि आप इससे प्रैक्टिस कर पाएं जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़बरदस्त आपकी एड डिजाइनिंग होगी तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ और बाकी तो विजय अग्रवाल जी मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में भी कि ये जो लीड जनरेशन की क्लास है उसमें हम यूट्यूब एसईओ वगैरह कुछ सीखेंगे हाँ करेंगे बिल्कुल करेंगे जी हाँ बेटा बहुत कुछ करेंगे चिंता मत करो आप चलो ठीक है तो यूट्यूब क्लास को हाँ यूट्यूब यस सर कोई डाउट पूछ ले सर कुछ और किसी का डाउट है तो डाउट आज कुछ यस मैम निकिता जी यस मैम सॉरी इन लोगों को सारा आता है तो ये लोग हमें तो पहली बार ये कानवा वगैरह के नाम सुन रहे हैं हम क्या पूछेंगे कुछ भी समझ में ही आया नहीं हमें ऐसा क्या मैम मैं सब कुछ बताया नहीं जिस समझ में सर क्या बोलते हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं सुन ही रहे हेलो अरे मैम जिस आप कुछ भी समझ में नहीं आया सर सही में और सर आज 5 असाइनमेंट दे दिए और वहां पे लिख रहे थे एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूं अभी मैम ऐसा कुछ खास कराया नहीं है तो बहुत सिंपल था आज तो एड डिजाइनिंग का ठीक है तो खासकर कैनवा को तो कुछ था ही नहीं मेरे हिसाब से आज तो मेजॉरिटी थ्योरी रहा है प्रैक्टिकल तो बहुत ही कम हुआ है तो मुझे हां .com पे जाइए थोड़ा सा आप हैंड हाथ साफ तो ये पहली बार क्लास आपको थोड़ी सी डगली लगेगा शायद कुछ टेक्निकल ज्यादा और ये लैपटॉप खोलिए या कैनवा पे कैनवा का ऐप आता है वो आप खोलिए थोड़ा आपको कोई मैम सारे
कि यहाँ पे तो मालूम है, वो तो बना लेंगे, ये कैनवा का तो कुछ हाँ, हाँ, गुरुजी 10 मिनट में दो प्लीज, कैनवा कैसे बनाया है और एक क्लास ले लेंगे कल दोपहर में, मैं ही ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन बोल रहे हैं अभी? अभी रवि जी बोल रहे हैं। लोकमान सर जी, काम सर, मेरे 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके दो लोग शायद मैं ही खुल के आई कि मुझे नहीं पता है, बाकी सारे लोगों को पता है सर, बट मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर जानकारी चाहिए, कुछ भी पता नहीं। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए लोकमान सर, एक बार 10 मिनट लेके कैनवा थोड़ा बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए सर थोड़ा सा। को भी रुकना है वो रुक सकते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं। और कैनवा में मैम जब तक नहीं समझ में आए तब तक आप हाँ मत करना, मैं अभी वापस आपको बिल्कुल इस जरूर जी आपको मेरा स्क्रीन देख। थैंक यू सर। सर स्क्रीन आपका हैंग हो गया। मेरा स्क्रीन हैंग हो गया, व्हाट्सएप दिख रहा है सर आपका। का माइक ओपन करो, बलबीर जी का माइक ओपन नहीं हो रहा। बलबीर जी आप वापस कनेक्ट कर लो भले। बलबीर जी का माइक तो ओपन है, बोल नहीं पा रहे वो। चलिए निकिता मैम। या बलबीर जी बोलिए सर जी। वहां से ऑफ कर लेते हैं सर, ऑन करेंगे भी ऑफ कर रहे हैं सर। कि आपको मैम canva.com पे जाना पड़ेगा और canva.com पे जाते हो तो आपके पास बहुत सारे आएंगे, लोगो बनाना है, पोस्टर बनाना है, बुक कवर है और जितने भी चीजें हैं इन सब का एक लंबाई है कुछ चौड़ाई है। तो अगर आपको पोस्टर बनाना है तो पोस्टर पे क्लिक कीजिए, उसे ड्रैगन मतलब पहले से रेडीमेड लिखा होगा, आप जो लिखा हुआ वो चेंज कर सकते हो। जैसे कई बार सेंसिल है आपके पास, ठीक है ना, सेंसिल में आप कोई भी रंग डाल सकते हो, ये रेडीमेड सेंसिल्स हैं। आप अपना नाम की जगह दूसरा नाम डाल दो, दूसरे के नाम जगह तीसरा नाम डाल दो, अलग रंग डालो, पर उसी फॉर्मेट में डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप के प्लेटफॉर्म है जहाँ ये उनके लिए जिनको फोटोशॉप नहीं आता और थोड़े एडवांस टूल्स नहीं आते डिजाइनिंग के, तो इससे वो आराम से बेसिक छोटा सा बढ़िया सा वो अपना पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। ये इसलिए है और लोकमान सर ही बताएंगे। लोकमान सर प्लीज सर कंटिन्यू करना सर। यस सत्य, तो ये मैम यहाँ से आपको क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है कैनवा पर जाके, और वो मैंने ये क्रिएट किया हुआ है तो ये डायरेक्ट अंदर आ गया है। अदरवाइज जब भी आप क्रिएट करोगे तो ये यहाँ मिलेगा जहाँ आप खड़े हो सामने। यहाँ तक क्लियर है जी? स्क्रीन तो नहीं आ रहा है आपको? स्क्रीन मैम स्क्रीन आ रहा है, आप अपने एंड से देखिए मैम, एक बार स्क्रीन आ रहा है मेरे पास। निकिता मैम जब तक समझना तब तक हाँ मत करना मैम, देखिए आपकी वजह से बाकी सब लोग भी रुक गए। देखिए हाँ जी बैठो, डबल नॉलेज देने के लिए रुके सर, कोई मतलब लॉस के लिए नहीं रुका है। अरे कोई नहीं मैडम, कोई बात नहीं, बात नहीं है। तो आप बोले तो चले जाते हम। नहीं मैं बात कर सकता हूँ कुछ? यस मैम पूछिए सर, कोई डाउट था तो। सर मेरा एक ही डाउट है, 8 बजे की क्लास आप 8:45 खत्म कर रहे हो, मेरी दूसरी क्लास खत्म हो गई अभी, ये चल नहीं, 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 सर, ये... सर ऐसा ऐसा है, आपकी बात ठीक है, 8-10 तक हमारी क्लास थी और उसके बाद ये सब डाउट सेशन है, जैसे किसी को समझ नहीं आया सर, ये क्या चीज़ है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, देखो मैं भी आपके सामने हूँ और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ लर्निंग में, तभी मेरे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। 8:02 पे कैनवा की स्क्रीन खुली थी और कैनवा में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ लर्निंग के लिए, लेकिन ये खुली ही 8:02 पे स्क्रीन थी, उससे पहले हम लोग वो बाइक जो क्या नाम है प्रेजेंटेशन वाला पीपीटी वाला जो है ना वो वाली चीज कर रहे थे। मैं कैनवा का कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, मेरी दूसरी क्लास चालू हो गई थी। ओके चिंता नहीं वरुण जी, हम बैठे हैं, आप अगर नहीं कैप्चर कर पाए
वो आपकी क्लास हम वाजिब है, हम अपनी क्लास आगे वाली क्लास हमने भी शिफ्ट की है, पर टॉपिक इतना बढ़िया है ये कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एग्री हैं, आप क्लास करके वापस आ जाओ, हम बैठे मिलेंगे दोनों भाई, नहीं है तो कल दिन में समझाएंगे हम आपको। आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना मेरे को, जो फिर क्वेरीज होंगी फिर पूछूंगा। नहीं समझ में आए, हाँ वापस, यस सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब बात है आपकी, पर लाइव क्लास है, यहाँ बहुत सारे डाउट है, देखो हर तरह का आदमी है यहाँ, किसी को इमीडिएट समझ में आ जाता है और किसी को देर से। जी 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 निकिता मैम, यहाँ से मैं कैनवा वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर टाइम हो तो आप भी कर सकते हैं। कैनवा पे जैसे ही एंट्री मारी हमने, निकिता मैम यहाँ अभी दिखाई दे रहा है सबको मेरा स्क्रीन? यस सर। यहाँ आपको जितने भी बिजनेस के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं, चाहे वो क्रिएटिव हो चाहे वो रेगुलर हो, वो सारे के सारे आपके पास ऑलरेडी बने हुए फॉर्मेट, बने हुए टेम्पलेट पड़े हैं। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है और छोटा मोटा डिज़ाइन चेंज करना है और आपका अपना ऐड क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले पोस्टर चाहिए मुझे, तो मैं पोस्टर में गया और पोस्टर में जाने के बाद ये मैंने सिर्फ यहाँ क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये सैकड़ों ऐसे टेम्पलेट दे देगा, जो आप उनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं अपने काम के लिए। यहाँ देखिए इतने सारे टेम्पलेट्स ये लेफ्ट साइड में पड़े हैं, इसमें कुछ पेड होंगे कुछ फ्री होंगे, तो उस पर जैसे ही आप अपना कर्सर ले जाओगे तो जो फ्री होगा उसमें नीचे फ्री लिख के आ जाएगा, जो पेड होगा उसमें नीचे पेड लिख के आ जाएगा। तो ये बहुत सारे हैं, अब मैं इनमें से कोई भी एक जो मुझे लगता है प्रोटोटाइप सा उठा लेता हूँ। जैसे इसको मैंने क्लिक किया, इसने मुझे ये ओपन कर दिया। अब यहाँ आने के बाद मैं, अगर मुझे ये डिज़ाइन पसंद है तो मैं इसको करेक्ट करूँगा अपने लिए, नाम नूम चेंज कर दूँगा, अगर मुझे ये नहीं पसंद है तो मैं इसको दूसरा ले लूँगा। अभी ये पूरा ओपन हुआ नहीं, ओपन हो रहा है। तो निकिता मैम मुझे आप बताएंगे, आप अपना बिजनेस प्लीज़ बताएं, मैं इसमें फिल करता चलूँ। न्यू लर्नर है, अभी तक ऑनलाइन बिजनेस शुरू नहीं किया, करने की चाहत है। कोई बात नहीं, तो हम आपका ये एक इवेंट के लिए है एक ऐड, जहां आप कोई इवेंट कर रहे हो मान लिया, तो उस इवेंट के लिए है ये। अगर आपने अभी शुरू करना है तो मैं इसमें दूसरा टेम्पलेट दूंगा आपको, ये क्या क्या है आपके दिमाग में मुझे बताएं थोड़ा सा। यस प्लीज। दिमाग में ये है कि बस मुझे मैथ क्लासेस ऑनलाइन करना है। मैथ्स ऑनलाइन, ये लीजिए ग्रैंड ओपनिंग, मैजिक मैथ्स एकेडमी, यहाँ इसका मैंने साइज कम कर दिया, देखो बहुत साइज आ रहा है, तो ये मेरे को ऊपर फॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ से गया और सर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दीजिए कि उनको फ्री वर्जन चूज करना है, फ्री टेम्पलेट्स। यस, मैंने फ्री निकिता, यहाँ पेड और फ्री दोनों ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ जब जाते हैं हम टेम्पलेट लेने के लिए तो वो वहाँ जब भी किसी के ऊपर वो कर्सर जाएगा तो बता देता है ये फ्री है या पेड है, तो हमें फ्री उठाना है, पेड में वो पैसे लेगा, हमें सिर्फ फ्री वाला लेना है अभी सीखने के लिए, फिर आपको अच्छा लगे तो पेड उठा सकते हो बाद में, अभी हम फ्री लेंगे। तो मैंने ये मैजिक मैथ्स एकेडमी ले ली और यहाँ अपने आपने अपना टेक्स्ट लिख दिया, मेक योर चाइल्ड जीनियस ब्रिलियंट एंड बेस्ट स्कोरर।
अब यहां आपको नीचे अपने कॉन्टैक्ट्स लिखने हैं, तो आप कॉन्टैक्ट के लिए आप टेक्स्ट लिख देंगे यहां से, ये रहा। तो नंबर बताओ आप अपना, निकिता मैम फोन नंबर 7 2 8 7 2 8 7 8 7 8 1 9 2 1 7 1 9 2 1 7। ये लीजिए, हाउ को बड़ा कर दो, बोल्ड कर दो, सामने वाले को समझ में आए कैसे से बता दो ऐसे। वरुण बादवा जी आप हैं क्लास में अभी? जी सर मैं हूं, मैं देख रहा हूं। अभी वापस आए हो? जी सर, जी सर। यहां से आपने इसको कस्टमाइज कर लिया, हाउ कॉल निकिता नाउ, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कोई कलर चेंज करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जैसे ये कलर आपने यहां से बदल दिया, अभी आगे वाली छुप गई, मुझे सफेद करना है, मैं उसको उठा के सफेद कर दूंगा। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। ये लीजिए, अब आपका एक छोटा सा बन गया। अब इस ऐड से आप अपना व्हाट्सएप पे ऐड चला सकते हो, सिंपल ऐड बन गया। अगर कोई पिक्चर रखनी है आपको मैथ्स अकेडमी की तो वो रख सकते हो आप यहाँ लाके। जैसे मैं यहाँ, मेरे पास अभी मैं फोटो लाया था वो मैथ्स अकेडमी वाली, उनमें से कोई फोटो मुझे लेनी है तो मैं यहां से ले सकता हूं, उसे अपलोड किया मैंने, कंप्यूटर पर कोई फोटो रखी है, अपलोड पर क्लिक किया, थोड़ा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, अपलोड में टाइम लेगा। मैं कंप्यूटर की फोटो ले आया, ये तो लग दी। आप कोई और फोटो भी लाके रख सकते हैं। इसको अब यहाँ से आप छाप लोगे, यहाँ से बनाया और मैं अब इसको डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। डाउनलोड चाहिए मुझे जेपीईजी फॉर्मेट में, ये रहा जेपीजी, जेपीजी में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। सिंपल, ये डाउनलोड होके मेरे कंप्यूटर पर आ जाना है। अभी
ये आ गया और मैं इसे आपके यहां से ये लीजिए, आपका ऐड बन गया और आपके पास आ गया। अब इस ऐड को आप व्हाट्सएप में खूब ऐड डिजाइन करके आगे चल क्लास में कैसे ऐड बनेगा। ये आपके ग्रुप में पोस्ट हो गया। ठीक है मैम, अब बताएं मुझे क्लियर। देखिए हाँ जी मैम, सर क्लियर हुआ बट मैं ट्राई करूंगी, अगर कुछ डाउट हुआ नहीं हुआ है तो फिर से पूछूंगी आपको। मुझे कल रिंग दे सकते हैं आप 10 से 12 के बीच में, मैं फ्री हूँ, आप मुझे घंटी दे सकते हैं। वरुण जी आप भी 10 से 12 के बीच में कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चंस आपके हो तो कैनवा से, आपका बहुत सिंपल फॉर्म है। सेम वे अगर कैनवा से मुझे कुछ भी डिजाइन करना है, लोगो, बुक कवर, सर्टिफिकेट जो हमें आसानी से समझ, प्रेजेंटेशन, वीडियो, ब्रोशर, फ्लायर, कार्ड, बस इतनी चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी बिजनेस में, बिजनेस कार्ड, रेज्यूमे सब बनाता है ये, और ब्यूटी ये है कि फ्री में बनाता है। अगर आपको फ्री टेम्पलेट्स लेने हैं तो फ्री ही लें, अगर बहुत ही एडवांस टेम्पलेट्स लेने डिजाइनिंग वाले तो वो उसके पैसे लेगा आपसे। जिस लड़की ने बनाया है ऑस्ट्रेलिया की है, बड़े पैसे कमाए। अभी क्लियर है मैम, बाकी सबको क्लियर है? बिटवीन सर, यस प्लीज। हेलो सर, यस प्लीज, यस प्लीज। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फ्लायर सर? डिफरेंस बिटवीन, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, बिटवीन फ्लायर एंड सर। हेलो सर, जी प्लीज बताएं सर। हेलो सर, सर जो फ्लायर होता है वो हमको जो न्यूज़पेपर में आता है नॉर्मली हम उसको मान लेते हैं, पोस्टर तो व्हाटएवर वी आर यूजिंग इन वेरियस सोशल मीडिया। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस सर, थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन बट नॉट गेटिंग सर वॉइस। बताइए लोकमान सर जी मेरी। So, what is the difference between flyer and poster, sir? मेरी आवाज आपको आ रही सर? हाँ, ओके सर। हेलो, मुझे आपकी आवाज क्रैक होके आ रही है। सर? जी जी प्लीज। सर, he is asking what is the difference between flyer and the poster? बहुत सिंपल है। फ्लायर और पोस्टर में दोनों का अंतर? पोस्टर बहुत बड़ा ग्रुप है, पोस्टर ग्रुप नेम है, फ्लायर उसका सबसेट है। पोस्टर आपका 6 इंच का हो सकता है, 6 फुट का हो सकता है। फ्लायर आपका एक लगभग जो पेज का साइज होता है ना, A4 पेज या उसका हाफ, जो पेपर में आपको डाल के दे देते हैं फ्लायर बोलते हैं, इसको ऐसा किया जा सके उसको फ्लायर बोलते स्टेशन पे, बस स्टैंड पे। हाँ यस, पोस्टर का साइज, पोस्टर एक बहुत बड़ा साइज, साइज बड़ा साइज पोस्टर कुछ भी हो सकता है। फ्लायर वो है, वो छोटा एक साइज जो आपके इंसर्ट्स हो जाते हैं, इतना सा फर्क है। अदरवाइज कम्युनिकेशन वाइज, एडवर्टाइजमेंट वाइज दोनों का पर्पज एक ही है, दोनों का पर्पज एक ही है।
Okay, sir. Last, sir, in templates, how to find there for free? It is a free. It is indicating for payment. How to know, sir? Boss, you click, it will be showing. जब भी आप क्लिक करोगे तो ये आपको शो करेगा सर कि ये पेड है. जैसे मैं अगर पोस्टर पे गए अलाउ नहीं कर रहा है. सर हमारे पास निकिता मैडम भी हैं अभी. निकिता मैम हैं क्या आप? हाँ मैडम अभी आप देख लीजिए. सर मैं इनको बता देता हूँ जो मैंने समझा है. ये कैनवा जो बोर्ड है ना, ये जो बीच का है, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है. ये जो बीच में हमें काम करना है. अरे वाह. और इसके लेफ्ट में हम ऑप्शंस है, तो ये जो ऑप्शंस है इधर से हमें उठानी है फोटोस, एलिमेंट्स, फिर टेक्स्ट, फिर उसको अलग से. एक मिनट, ब्लर हो गया सर स्क्रीन. अच्छा स्क्रीन ब्लर हो गया. मैं एक मिनट, ब्लर हुआ जी, मैं वापस ला रहा हूँ. हमारे बाकी जो हमारे साथी हैं उनको एक तरह का मैं थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ कि पूरा खेल है सिर्फ ये बीच का ड्राइंग बोर्ड का, और लेफ्ट में जो हमारे ऑप्शंस हैं इधर से हमें पिक एंड चूज करने हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट. हम लोगों ने माइंड में क्या सोचा है, अगर मैंने दशहरा का एड सोचा है तो दिवाली पटाखे वगैरह रावण का फेस रहेगा. अगर वो इधर नहीं मिलेगा मैं गूगल से डाउनलोड कर लूँ. दिवाली है तो दिवाली के पटाखे, न्यू ईयर है, एक्समस क्रेक है, क्रिश्चियन का कोई सेलिब्रेशन है, आई विल हैव टू डाउनलोड. तो यहाँ पे बने चुने हमारे को इन लोगों ने कुछ ऑप्शन दिए हैं जिसको हमें उपयोग करना है और अपने को क्रिएट करना है. ये ऑप्शन को हमें प्रैक्टिस से आएगा. टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना, रंगों को बदलाव करना है, उसमें वीडियो डालना है या कुछ फोल्डर डालने हैं, ये सब हमें अपने आप बैठना पड़ेगा हर दिन कम से कम स्टार्टिंग में आधा पौना घंटा, और हर एक का उपयोग जान के लेना पड़ेगा खुद को. बीच का जो है ये ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर पूरा खेल है हमारा. लेफ्ट में हमारे ऑप्शन है. इसको हेलो, बीच वाले को हम कह सुन रहे हैं जी. बहुत बढ़िया रवि जी. On some template sir we are seeing PRO pro. What is the meaning sir? Pro, that is paid version. That is professional. Are you, that is business promotion के लिए वो pro लगते हैं, तो you will have to pay money for that. Yes. और ये यहाँ आपको Canva Pro दिखाई दे रहा है. Pro पर जब जाओगे तो 30 days के लिए free है, उसके बाद ये paid हो जाएगा. यहाँ जितनी भी जिस पर भी जाओगे उस पर free दिखाई देगा तो समझो वो free है. जहाँ Pro आ जाए वहाँ समझ लेना कि वो paid है. I think ये clear है. Okay. और इसमें एक है, इन्होंने जो कुछ बना के दिए है ना, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ बनाया है. अभी इसको हमें चूज करके बनाना. अभी जैसे सर ने ये ट्यूजडे ट्रिविया नाइट्स रखा है, तो ये अभी मुझे कुछ और कुछ टेक्स्ट बदलना है, उसके ऊपर जाके क्लिक करूंगा, वो चीजें बदलने का मेरे को ऑप्शन मिलेगा. बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है. इसको जैसे सर ने बताया है कि ज्यादा कुछ समय नहीं लगे. देखिए आप जिस जिस ऑप्शन पे जाएंगे वो हाईलाइट होएगा, वो अपने आप पकड़ेगा. हाँ वहां से उसे सरका सकते हो, हिला सकते हो, बदल सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो. आप उसमें कुछ अलग से चित्र डाल सकते हो, पिक्चर्स डाल सकते हो, उसके रंग बदल सकते हो अपनी थीम के अनुसार, अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार. ये आई थिंक क्लियर हुआ. हाँ यस सर यू विल हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन एंड सी हाउ द कर्सर इज मूविंग एंड हाउ द लाइन इज गेटिंग डीमार्केटेड वेदर इट इज हैविंग द ऑप्शन टू मेक इट बिग आर स्मॉल वेदर द टेक्स्ट इज गेटिंग हाईलाइटेड यू विल लर्न ओनली व्हेन यू पिक एंड ड्रॉप एंड व्हेन यू डबल क्लिक गेट द ऑप्शन टू टाइप इट देन यू हैव टू गो and then you have to check the upper versions.
all the menus are there, alphabets for increasing, decreasing, and for changing the color and using the language option, everything. So that will come only when you sit on the tutorial and practice on a given time with ease, without disturbance. Sir, in some pro, sir, some symbols on pro, we are not, they are not asking for payment, sir, in some templates. They will ask at the end. Hello. Sir? Yes, please. सर अभी जो सर बोल रहे थे क्या आपको परमिशन मिलेगा कि वो अपना नंबर भी शेयर कर सके ताकि जब हमें कहीं से सपोज आप कभी बिजी होंगे तो हम उनको पूछ सकते हैं हमारे बात बैठा ही बड़े खुश होते हैं वो बताते हुए और उनका नाम रवि कुमार है मुंबई से हैं और निकिता मैम आप शायद उस ग्रुप में नहीं है और रवि जी आप अपना नंबर अगर आप चाहें कम्फर्टेबल फील करें दे सकते हैं सर 9820 9 8 9 8 209 लोकमान जी इतने में एक क्वेश्चन था आपके लिए जी लोकमान जी जी प्लीज सर वो एसएमएस के लिए आगे क्या कर सर अब एसएमएस का पैनल लेने के लिए या सॉफ्टवेयर लेने के लिए वो आप कुछ बताएंगे या वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या था वो एसएमएस के लिए सर वो जिससे लेना है उसका डाल दिया था आयुष का अच्छा 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 हाँ तो उससे आप कांटेक्ट कर लें वो आपको आगे बता देगा अकाउंट कैसे लेना है अच्छा सर ठीक है सर मेरा नंबर शेयर कर लिया सर ये अपनी जो एपीआई वाली क्लास है वो कब ड्यू है एपीआई वाली क्लास 11th क्लास है हमारी लास्ट वाली है व्हाट्सएप में एपीआई लास्ट क्लास होती है और अभी आज नेक्स्ट क्लास के टॉपिक क्या होगा नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट क्लास पे व्हाट्सएप का आज पोस्टर डिजाइन किया है अगली बार व्हाट्सएप का हम एड डिजाइन करेंगे इस पोस्टर को लेके हम व्हाट्सएप मैंने बना दे अलग अलग मैंने बनाया डाल दिया व्हाट्सएप ठीक है चलो सर आवाज ही नहीं आई कुछ पीछे माइक चल रहा था एक मिनट किसी का माइक चल रहा था तो मैं 27 Yes. तो अगली सर आवाज आ रहा है मेरा हाँ आपकी आवाज आ रही है अगली बार क्लास है हमारी व्हाट्सएप के इस डिजाइन किए हुए एडवर्टाइजमेंट को यानी जो हमने पोस्टर डिजाइन किया इससे एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाया जाए वो अगली बार करेंगे सर बलबीर सिंह बात करो मेरी आवाज मिल रही है आपको अभी मिल रही है सर बहुत देर से आप कोशिश कर रहे हैं अब आपकी आवाज आई है जी जी सर मैं जानना चाह रहा था ये जो आप डिजाइन कर रहे थे इसके लिए फिर आप मेरे को पावर पॉइंट भी डाउनलोड करना पड़ेगा उसमें हाथ साफ करना पड़ेगा नहीं बिना उसके हम नहीं कर सकते नहीं कर सकते ना कैनवा पे कर लो आप पावर पॉइंट जरूरत नहीं फिर दो ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो उसमें कर लो अच्छा ठीक है सर ठीक है दोनों में से किसी पे भी कर सकते हो सर इसके अलावा आपके मोबाइल एंड्रॉइड पे बहुत सारे एप्स हैं पोस्टर मेकर जैसे ही लिखोगे ना पोस्टर मेकर के बीच ऐप है किसी को भी आप डाउनलोड मोबाइल से कर सकते हो ये दोनों भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपको कंफर्टेबल ठीक है सर वहां से बना सकते हो बस आपको ट्रिक समझ में आनी चाहिए कि मेरे को अपीलिंग और इमोशंस को हमारे कैच करने वाला एड बनाना है उसके लिए इमेज डाउनलोड करनी है उसमें जो इन्फोग्राफिक्स रखने हैं टेक्स्ट रखना है वो उसमें बना के और मैं उसको डाउनलोड कर लूँ बस सिंपल है ठीक है सर ठीक ठीक है जी ठीक है ओके जी गुड नाइट एवरीवन बहुत बढ़िया बहुत अच्छी क्लास रही रादर लंबी रही आज हमारी दो घंटे दिए सर आपने हमें नहीं आज क्लास दो घंटे ही थे हमारे हमने 6 से 7 एक क्लास होती है उसको 7 से 8 में क्लब किया और क्योंकि हमें तो 2 घंटे खर्च करने थे अपने तो हमने मैं निकल रहा हूं
थैंक यू जी, थैंक यू, ओके ओके, गुड नाइट, बाय बाय, ओके बाय.